चाहता हूं कि गुजराती भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए हिंदी में बात करूंगा। सरल हिंदी होगी, आसान होगी, आपको समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट का समय है, इस समय विपत्ति है बहुत भयंकर, और उसके कुछ हमारे सामने दिखने वाले दुष्परिणाम भी हैं। ऐसे ही एक गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो विषय है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। एक नए तरह का कर हमारे देश में लागू हुआ है। पिछले 1 अप्रैल 2005 से भारत देश के 22 राज्यों में ये कर का नया कानून लागू हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में भी हुआ है। भारत में लगभग 30 राज्य हैं। 30 राज्यों में से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी तक ये कानून लागू नहीं हुआ है, और उस कानून के लागू नहीं होने का कारण है, महाराष्ट्र ने जैसा कहा, वहां के व्यापारियों में, वहां के उद्योगपतियों में, वहां के ग्राहकों में थोड़ी चेतना पैदा हुई है, थोड़े वो जग गए हैं, और उनकी चेतना ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वहां अभी तक वैट नहीं है। भारत देश के जिन 8 राज्यों में वैट नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, अगर इनकी कुल जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो वो 55 कोटी है, 55 करोड़ है, 55 करोड़। भारत देश की कुल लोक संख्या 105 कोटी है सरकार के आंकड़ों के अनुसार। उसमें से 55 करोड़ की जो लोक संख्या है, 55 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वहां वैट नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है। अर्थात आधे भारत देश में वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, आधे भारत देश में वैल्यू एडेड टैक्स है। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स हमारे देश में आया है, इसके पीछे की जो मुख्य भूमिका है वो मैं आपसे शुरू में कहूंगा, और मेरा अभी का जो व्याख्यान होगा वो दो हिस्से में मैं बांटूंगा। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, मोटी मोटी बातें, और एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है। व्याख्यान के बाद का हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक होगा, व्याख्यान के पहले का हिस्सा मैक्रो इकोनॉमिक होगा, और मैंने इस पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए लाया है। तो व्याख्यान का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें मैं एक सीडी, लैपटॉप और एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको कुछ मुख्य मुख्य बातें आपके ध्यान में बिठाने की कोशिश करूंगा। हमारे भारत देश में जहां ये वैल्यू एडेड टैक्स का कानून आया है, उसके बारे में 5-7 मिनट में कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश की संसद में बजट प्रस्तुत हुआ, फरवरी के महीने में हमारे देश के वित्त मंत्री श्री चिदंबरम ने बजट प्रस्तुत किया। 2-2.5 घंटे का उनका बजट भाषण था। मैं हर साल बजट भाषण बहुत ध्यान से सुनता हूँ, और सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, उसके पेपर्स मंगाता हूँ और उसको जानने समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बजट पूरे एक साल की सरकार की आवक और सरकार की जावक, माने आया हुआ पैसा और खर्च किया हुआ पैसा, उसका तो बताता ही है, इसके अलावा देश की परिस्थिति क्या है वो माहिती भी बजट से मिलती है। इस बार का जब बजट भाषण में सुन रहा था तो हमारे देश के वित्त मंत्री चिदंबरम ने बोलते बोलते बीच में कहा, नाउ वी आर इन डेट ट्रैप। बजट भाषण बोलते बोलते बीच में एक वाक्य बोल दिया जो बहुत सरलता से हमारे सांसदों के कान से घुस के दूसरे से निकल गया, जबकि वो निकलना नहीं चाहिए था। उन्होंने बोल दिया, नाउ वी आर इन डेट ट्रैप, अब हम कर्ज के दुष्चक्र में फंस चुके हैं, ये वित्त मंत्री ने कहा। ये जो एक शब्द है ना, डेट ट्रैप, इसका मतलब क्या होता है, कर्ज का दुष्चक्र क्या होता है? कर्ज का दुष्चक्र होता है कि आपने कहीं से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया, आपने कहीं से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि अब उसको वापस देने की ताकत आपकी नहीं है, और उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। इन दोनों को मिलाकर परिस्थिति जो बनती है उसको डेट ट्रैप कहते हैं। भारत की सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि उस कर्ज के मूलधन को वापस देने की ताकत अब नहीं बची है,
और उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस बात को कहते हैं नाउ वी आर इन दैट ट्रैक। इस बार के बजट में मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत सरकार ने कितना कर्ज ले लिया है। तो हमारे भारत सरकार में क्या क्या आता है? भारत सरकार में केंद्र की सरकार, 30 राज्यों की राज्य सरकार और 30 राज्यों के नीचे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों की सरकार होती है, ये तीनों मिलाकर भारत सरकार बनती है। तो इस बार के बजट के आंकड़े बताते हैं, और बजट के एक दिन पहले सरकार ने एक इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया था, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 3 स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों के स्तर पर कुल कर्जा 18 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 18 लाख करोड़, 18 लाख कोटि, अगर इसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो फेल हो जाएगा क्या, क्योंकि कैलकुलेटर में सिर्फ 12 अंक आते हैं और इसमें 12 से ज्यादा नहीं। 18 लाख करोड़ रुपए के कर्जे का अर्थ होता है हर एक भारतवासी के ऊपर 18,000 रुपए का कर्जा। ये 3 स्तर पर है, केंद्र सरकार, 30 राज्यों की राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, राज्य की जो 30 सरकारें हैं उनके ऊपर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। ये लगभग इतना विदेशी कर्ज हमारे ऊपर हो गया है। अनेक अनेक संस्थाओं से ये कर्ज हमने लिया है, विश्व बैंक से लिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, अमेरिका से लिया है, जापान से लिया है, जर्मनी से लिया है, फ्रांस से लिया है, स्वीडन से लिया है, स्विट्जरलैंड से लिया है, तमाम पाश्चिमात्य देश, अनार्य देश जिनको हम कहते हैं महाराज श्री के शब्दों के अनुसार, सभी अनार्य देशों से हमने ये कर्ज ले लिया। अब संकट क्या है? हर साल इस कर्जे का ब्याज भरना है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। महाराष्ट्र राज्य जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, इस महाराष्ट्र राज्य के ऊपर 1 लाख कोटी रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, 1 लाख करोड़ रुपए। और महाराष्ट्र सरकार का वित्त मंत्री श्री आरआर पाटिल ये बात को बार बार कह चुका है कि हमारी जो आमदनी होती है, महाराष्ट्र राज्य से मिलने वाला जो टैक्स है, जो टोटल टैक्स है, रेवेन्यू रिसीट है, वो हमारे खर्चे को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स से होने वाली जो आमदनी है वो कर्जे के ब्याज में और कर्मचारियों की पगार में ही खर्च हो जाती है। महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों की 1 साल की जो पगार है और महाराष्ट्र राज्य की सरकार का 1 साल का जो कर्ज का ब्याज है, दोनों में उनकी आवक पूरी समाप्त हो जाती है। तो विकास करने के लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो विकास के छोटे छोटे काम करने के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, फिर उस कर्जे का ब्याज भरना पड़ता है, फिर उस ब्याज को भरने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। ऐसा एक दुष्चक्र हमारे देश में शुरू हुआ है। इस दुष्चक्र की सबसे गंभीर बात है कि जिनसे हमने कर्ज लिया है, अब उनकी हर एक शर्त को मानने के लिए हमारी सरकार मजबूर है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अभी बजट सत्र में एक दिन व्याख्यान देते हुए कहा संसद में, लोकसभा में, कि जहां से हम कर्ज ले रहे हैं उनकी शर्तों को मानना हमारी मजबूरी, हम उनको ना नहीं कह सकते, वो जो भी कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा। वो कहेंगे कि भारत का ये कानून बदल दो तो बदलना पड़ेगा, वो कहेंगे भारत में नया टैक्स लगा दो तो लगाना पड़ेगा, वो कहेंगे भारत के लोगों को जहर देके मार डालो तो उसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो जैसे कहेंगे हमको वैसे ही चलना पड़ेगा। ये हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद के बजट सत्र में 2 बार कहा, 1 बार नहीं 2 बार कहा, और हर बार उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमने जहां से कर्ज लिया है उनकी हर बात माननी है,
अब अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में है कि हमने कर्ज लिया है तो उनकी हर बात माननी है, तो जो कर्ज देने वाले हैं उनकी बातें क्या हैं जो हमें माननी है? सबसे खराब बातें जो वो हमें कहते हैं मानने के लिए, उनमें से तीन बातें सबसे खराब है। वैसे तो सभी खराब है लेकिन तीन सबसे ज्यादा खराब। जहां से हम कर्ज लेते हैं वो सबसे पहले हमको ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का कीमत गिरा दो। हमारी करेंसी है रुपया और अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है डॉलर या यूरो डॉलर। तो वो ये कहते हैं कि डॉलर और यूरो डॉलर की तुलना में आप रुपए की कीमत कम कर दो। ये वो सबसे पहली शर्त लगाते हैं। अगर हम उनसे ये कहें कि हम ये नहीं करेंगे तो कहते हैं फिर कर्ज नहीं मिलेगा आपको। और हमारी सरकार की हालत इतनी खराब है कि बिना कर्जे के बजट नहीं बना सकते, बिना कर्जे के किसी को पगार नहीं दे सकते। तो जैसे ही वो कर्ज लेते हैं तो पहली ही शर्त मानते हैं कि रुपए की कीमत गिरा दो। मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी माहिती देता हूं। जिस दिन भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन भारत महाराज जी कर्ज मुक्त देश था। 15 अगस्त 1947 की तारीख में भारत देश पर एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। हमने सबसे पहली बार कर्जा लिया 1952 में, जब हमारे देश में पंचवार्षिक योजना शुरू हुई। दूसरा कर्ज लिया 1957 में, तीसरा लिया 1962 में, और 62 में डबल कर्ज लिया भारत जी हमने। पहला तो लिया पंचवार्षिक योजना, तीसरी पंचवार्षिक योजना के लिए, और दूसरा लिया चीन से भारत पर जो हमला हो गया था उस चीनी हमले का सामना करने के लिए। इसी तरह चौथी बार कर्ज लिया 1965 में, पाकिस्तानी हमला हुआ और हमले से देश को बचाना है। पांचवी बार कर्ज लिया 1967 में, छठी बार लिया 1971-72 में, और उस समय भी महाराज जी दो कर्ज लेने पड़े, डबल लेना पड़ा। एक तो पंचवार्षिक योजना के लिए, दूसरा बांग्लादेश बनाने के। पाकिस्तान का हमला हुआ था 1971 में और उसका दुष्परिणाम बाद में बांग्लादेश रूप में आया। उसके बाद आगे कर्ज लिया 77 में, फिर 82 में, फिर 84 में, फिर ऐसे करते करते कर्ज लेते गए। 1991 तक हम जब कर्ज लेते थे तो उसका नियम यह था कि 2-3 साल 4 साल में एक बार लेते। 1991 में हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने तो इन्होंने एक नियम बना दिया कि भारत अब हर साल कर्ज लेगा। 1991 के पहले हर 2-3 साल 4 साल में या 5 साल में एक बार कर्ज लेंगे। 91 के बाद इस देश में एक नियम आया, उदारीकरण, गलती से उसको कह देते हैं उदारीकरण, वो उदारीकरण नहीं है, उदारीकरण। तो नियम बन गया हर साल हम कर्ज लेंगे। 1991 के पहले महाराज जी इस देश में नियम था कि केंद्र सरकार विदेशी कर्ज लेती थी और राज्य को बांटती थी जिसको जितनी जरूरत हो। 1991 में नियम बन गया कि अभी सीधे राज्य सरकार भी विदेशी कर्ज ले सकती है। फिर 1996 में नियम बना इस देश में कि अब भारत का कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सीधे विदेशी कर्ज ले सकता है। फिर 2004 में पिछले साल महाराज जी एक नियम बना दिया है सरकार ने कि अब भारत की कोई भी ग्राम पंचायत सीधे विदेशी कर्ज ले सकती है। पहले केंद्र सरकार लेती थी, फिर राज्य सरकार ने लेना शुरू किया, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, अब भारत की ग्राम पंचायतें सीधे विदेशी कर्ज ले सकती हैं। और इस साल ये दुर्घटना हो गई, हिंदुस्तान की सबसे पहली ग्राम पंचायत जिसने विदेशी कर्ज लिया है वो कर्नाटक राज्य में है और उस ग्राम पंचायत का नाम है पुत्तूर, उडुपी जिले में है। उडुपी दक्षिण कर्नाटक का आखिरी जिला है, उसके बाद केरल राज्य शुरू हो जाता है। तो उडुपी जिले की ग्राम पंचायत पुत्तूर, उसने इस साल 60 करोड़ डॉलर विदेशी कर्ज लिया है। उस ग्राम पंचायत के सरपंच से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि मैं उस गांव में व्याख्यान देने गया था। मैंने सरपंच को पूछा, भाई ये 60 करोड़ डॉलर जो आपने कर्ज लिया है इसको वापस कैसे करेंगे? तो कहने लगा, राजीव भाई
मैंने पूरी ग्राम पंचायत को गिरवी रख दिया मॉर्गेज को, माने ग्राम पंचायत की सारी संपत्ति उसने गिरवी रख के $60 करोड़ कर्ज ले लिया। वापस कैसे करेंगे? वो कहता है ग्राम पंचायत की संपत्ति बिक जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। मैंने पूछा ये कर्ज किसके लिए लिया है? तो पूरी ग्राम पंचायत को पानी देना, पीने का पानी, उसके लिए पाइपलाइन बिछानी है, उसके लिए कर्ज लिया। मैंने उसको पूछा अभी क्या हो रहा है, तो कहने लगा पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पानी है पानी नहीं है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं। पानी कब आएगा? तो पानी लाने के लिए अगले साल फिर नया कर्ज लेंगे। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि पानी आए तब जब कोई डैम हो, बंधारा हो, तालाब हो, जिसमें पानी इकट्ठा हो, वो पानी पाइपलाइन से गांव में जाए। वहां कोई तालाब नहीं है, बांध नहीं है, डैम नहीं है, बंधारा नहीं है, तो पानी तो मिलने से रहा, तो अगले साल बांध बांधने के लिए नया कर्ज लेंगे। इस साल पाइपलाइन डालने के लिए कर्ज ले लिया है। और उस पुत्तूर ग्राम पंचायत ने भारत के 6,32,000 ग्राम पंचायतों के लिए रास्ता खोल दिया है, अब सब कर्ज लेना शुरू करें। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर है ऋणम कृत्वा घृतम विवेद, यावत जिवेत सुखम जिवेत ऋणम कृत्वा घृतम विवेद। हमारे देश में एक व्यक्ति हुए चार्वाक, उनका एक फिलॉसफी था, उसको भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। वो फिलॉसफी यही था ऋणम कृत्वा घृतम विवेद यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो सुख से जियो कर्जा लेके घी पी। तो हमारे प्रधानमंत्री ने सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आप परिवार में हैं तो कर्जा लो, कर्जा लेके घर बांधो, कर्जा लेके कार खरीदो, कर्जा लेके क्रेडिट कार्ड रखो, कर्जा लेके शेयर बाजार में पैसा लगाओ, कर्जा लेके धंधा करो, कर्जा लेके कुछ भी करो, कर्ज की खुली छूट है। किसानों के लिए कह दिया तुम कर्जा दो और आत्महत्या करो, क्योंकि जितना कर्ज लोगे उतना ब्याज भरना है, ब्याज भरना है, पैसा नहीं है तो आत्महत्या करो। तो हर साल किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे व्यापारी मर रहे हैं, फंस रहे हैं। ये कर्ज का एक मकड़ जाल हिंदुस्तान में शुरू कर दिया है। जैसे अमरीका में होता है ना, कोई बच्चा जन्म लेता है तो कर्ज में और मरता है तब भी कर्ज में, वही व्यवस्था अब हिंदुस्तान में लाई जा रही है। अब इसमें समस्या क्या आती है कि कर्ज लेना तो आसान है, पटाना मुश्किल, क्योंकि ब्याज भरना पड़ता है और ब्याज की कई सारी शर्तें होती हैं, वो तकलीफ देता है। तो उनकी शर्तें क्या होती हैं? सबसे खराब शर्त होती है आप कर्जा जिस दिन लोगे उसी दिन वो कहेंगे कि आपके रुपए की कीमत गिराओ। तो हमारी सरकार रुपए की कीमत गिराती है। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आजाद हुआ, कर्ज मुक्त देश था, उस दिन भारत का एक रुपया और अमेरिका का एक डॉलर दोनों बराबर थे। 15 अगस्त 1947 का कोई भी समाचार पत्र निकालकर आप पढ़ना, क्योंकि उस जमाने में कुछ अखबार निकलते थे। एक अखबार निकलता था हिंदुस्तान टाइम्स, एक निकलता था टाइम्स ऑफ इंडिया, एक निकलता था मुंबई समाचार। मुंबई समाचार आजादी के पहले का अखबार, आपके यहाँ कोई लाइब्रेरी में मुंबई समाचार की कॉपी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 की, उसके फ्रंट पेज पर रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है, राइट हैंड में कोने पर है, उसकी कटिंग मेरे हाथ में है, मेरी फाइल में है। एक रुपया एक डॉलर बराबर है, एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड बराबर है, स्टर्लिंग पाउंड माने ब्रिटेन की करेंसी, एक रुपया और एक फ्रैंक फ्रांस की करेंसी वो बराबर है, एक रुपया और एक ड्यूशमार्क जर्मनी की करेंसी वो बराबर है। दुनिया में उस समय जितने भी बड़े देश माने जाते हैं उनका एक करेंसी और हमारा एक करेंसी बराबर है। कारण क्या है कि वो दिन तक भारत कर्ज मुक्त देश है, वो दिन तक हम कर्ज देने वाले देश हैं, लेने वाले नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत साहूकार था और भारत का कर्जा इंग्लैंड के ऊपर था 1,732 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड, 1,732 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड हमारा कर्ज इंग्लैंड के ऊपर था, जो हमने उनको दिया था 1939 में दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं था और हिटलर उनको मारने को तैयार बैठा था। तो हिटलर से इंग्लैंड को बचाने के लिए भारत के नागरिकों ने इंग्लैंड को मदद किया था और इंग्लैंड ने हमको वायदा किया था
कि अगर भारत हमारी मदद करेगा दूसरे विश्व युद्ध में तो हम भारत को आजाद करेंगे जल्दी से। उस मदद के रूप में हमने 1732 स्टर्लिंग पाउंड उनको दे दिए, करोड़ स्टर्लिंग पाउंड उनको दिया था। उन्होंने वायदा किया कि जब भारत को आजाद करेंगे तो वापस देंगे, लेकिन वो आज तक हमने कभी वापस उनसे मांगा नहीं और उन्होंने कभी हमको दिया नहीं। 1952 में संसद में एक बार इस पर बात हुई और हमारे देश के कई सांसदों ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हमने पैसा दिया था इंग्लैंड को, वापस ले लो। तो नेहरू जी ने कहा छोड़ दो, माफ कर दो, क्योंकि उनसे दोस्ती बनानी है अपने को। तो किसी ने कहा कि ये 250 साल हमारे ऊपर जो कुकर्म किया है, बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है, वो सभी भूल जाए। तो नेहरू जी ने कहा हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी भुलाना पड़ता है, ऐसी ऐसी कुछ बातें कह के वो सब उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अगर वही हमने वापस ले लिया होता तो हिंदुस्तान को पंचवार्षिक योजना को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी पैसे से हम देश का विकास कर सकते। खैर, वो हमने छोड़ दिया और हमने नया कर्ज लेना शुरू किया, और जब से कर्ज लेना शुरू किया उसी दिन से भारत के रुपए की कीमत कम होना शुरू हुआ, और कम होते 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 आज लगभग 44 रुपया डॉलर के आसपास आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमारे देश के रुपए की कीमत 4400% कम हो गई। 4400% रुपए की कीमत गिर गई, 44 गुनी रुपए की कीमत कम हो गई। जब रुपए की कीमत कम हुई तो डॉलर की कीमत बढ़ी। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम जो दुनिया के बाजारों को बेच रहे हैं वो सस्ता बिक रहा है, और हम जो दूसरे बाजारों से खरीद रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। हम जो बेचते हैं, एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, निर्यात जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सस्ता जाता है। जैसे हम हीरे जवाहरात निर्यात करते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात का सबसे ज्यादा निर्यात इस देश से होता है। महाराज जी, इस देश के लोग बड़ी मेहनत से हीरे की घिसाई करते हैं और वो हीरा दुनिया के बाजार में हर साल 45,000 करोड़ रुपए का बिकता है। एक दिन मैंने उसका हिसाब निकाला कि 45,000 कोटी रुपए का जो हीरा हम दुनिया के बाजार को बेचते हैं, ये कब? जब 44 रुपया एक डॉलर है तब। मान लो $1 1 रुपया होता तो जितना हीरा हम बेच रहे हैं इतना ही हीरा बेचकर हमको कम से कम 2.5 लाख कोटी रुपए मिलता, कम से कम। आज मिल रहा है मात्र 45,000 कोटी रुपए, मिलना चाहिए हमको 2.5 लाख कोटी रुपए, 2,50,000 कोटी रुपए हमें मिलना चाहिए। और अगर कुल निर्यात की बात करें, हीरे जवाहरात सोना चांदी चाय कॉफी पान और हमारे देश का बहुत अच्छे अच्छे किस्म के फल, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, बासमती चावल, जो कुछ भी हम दूसरे देश को निर्यात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश बादाम मुनक्का मखाने, ये सब कुछ जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक साल का लगभग $50 अरब है। अगर रुपया डॉलर बराबर होता तो यही निर्यात लगभग $2500 अरब का होता, और $2500 अरब का अगर निर्यात हम करते हर साल तो हिंदुस्तान 10 साल में सोने की चिड़िया हो जाता। भारत की एक एक गांव की सड़क सोने से बन जाती, एक एक मंदिर इस देश में सोने चांदी का हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है? रुपए की कीमत गिरी है, डॉलर की कीमत बढ़ी है। तो जो कुछ हम बेच रहे हैं वो कौड़ी के भाव में जाता है। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत देश का सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है हीरे जवाहरात सोने चांदी के बाद दूसरे नंबर पर, वो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। लोहा बनाने का कच्चा माल हम बेचते हैं, मैग्नीज और हम एक्सपोर्ट करते हैं, आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं। 1956 में महाराज जी 7 रुपए किलो हम आयरन और एक्सपोर्ट करते थे, 1990 एक किलो कच्चा लोहा 7 रुपए में बेचते थे। आज वही लोहा 15 पैसे में बिकता है। जो लोहा हम 7 रुपए किलो में बेचते थे दुनिया के बाजार में कच्चा लोहा, वही लोहा अब हम 15 पैसे किलो में बेच रहे हैं। माने हर एक किलो लोहे के निर्यात पर 6 रुपए 85 पैसे का हानि हो रहा है, और हर दिन
2 करोड़ टन कच्चा लोहा इस देश से विदेश जा रहा है। 1 टन में 1000 किलो होता है, 2 कोटी में 1000 का गुणा करो और उसमें 6.85 रुपए का और गुणा करो, हर दिन इतने 1000 करोड़ रुपए का नुकसान लोहे के निर्यात में। इसी तरह मैग्नीज और एक्सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हम कॉपर का और एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, सिलसिलाई कपड़े, खादी के कपड़े, कॉटन के वस्त्र, ये सब जो हम कुछ बाहर बेचते हैं, ये सब में हमको भयंकर हानि होती है, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत है, रुपया कमजोर है। डॉलर कमजोर मजबूत है क्योंकि वो हमने कर्ज ले रखा है डॉलर में, जिस करेंसी में आप कर्ज लेंगे उसकी कीमत बढ़ेगी और आपकी करेंसी की कीमत गिरेगी। इसका एक दूसरा दुष्प्रभाव और होता है महाराज जी, हम जब दूसरे देशों से कुछ खरीदते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी के लिए कच्चा तेल खरीदते हैं, वो महंगा हो जाता है, जो हम बेचते हैं वो सस्ता है, जो खरीदते हैं महंगा है, सस्ता बेचे महंगा खरीदे तो घाटे का धंधा, और घाटे के धंधे को पूर्ति करने के लिए कर्ज लेना, कर्ज का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना है, इस तरह के दुष्चक्र में हमारा देश अभी फंसा हुआ है। और ये कितना महंगा है, एक दिन मैंने हिसाब लगाया कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी जो कुछ हम खरीदते हैं आज, 45 रुपए लीटर हम पेट्रोल खरीदते हैं, 30 रुपए लीटर डीजल खरीदते हैं, 300 रुपए का एलपीजी गैस का सिलेंडर खरीदते हैं, ये कब, जब $1 1 रुपया है तब, मान लो सॉरी $1.44 है तब, मान लो $1 1 रुपया होता तो भारत ने कर्ज नहीं लिया होता, $1 1 होता तो पेट्रोल की कीमत ₹1 लीटर, ₹1.57 लीटर पेट्रोल हमें मिलता, डीजल की कीमत 40-45 पैसे लीटर, रसोई गैस का सिलेंडर ₹15 या ₹20, दिल्ली से अमेरिका जाना और अमेरिका से वापस दिल्ली आना ₹450 में, मुंबई से दिल्ली जाना, दिल्ली से मुंबई वापस आना एसी स्लीपर क्लास मुश्किल से ₹22-23 में। हर चीज इस देश में आज जिस कीमत पर मिल रही है उससे 44 गुनी सस्ती हो जाती सीधे सीधे, अगर रुपया डॉलर बराबर होता। रुपया डॉलर कब बराबर होता, जब भारत कर्ज मुक्त होता, कर्ज नहीं लिया होता, अर्थात जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को दुष्चक्र में फंसाया है, ईश्वर उनकी आत्मा को कभी शांति प्रदान न करे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना। हमारे देश में कहते हैं मरने वाले की आत्मा को शांति मिले, मैं कहता हूं कि जिन नेताओं ने कर्ज लेकर इस देश को कर्ज के दुष्चक्र में फंसा दिया, जिंदगी भर उनकी आत्मा भटकती रहे, उनको कोई योनि ना मिले, क्योंकि जितना बड़ा पाप कर्म वो करके चले गए, अब उसका दुष्परिणाम हमारी आने वाली 20 पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अब दुष्परिणाम क्या भुगतना पड़ रहा है, हम तो फंस गए कर्जे के चक्कर में, हमने कभी कर्ज मांगा नहीं, कर्ज सरकार ने लिया, नागरिकों को उसका भुगतान करना, कैसे, कर्ज तो सरकार लेती है, कर्ज का ब्याज भरने के लिए वो टैक्स आपके ऊपर लगाती है, और टैक्स हर साल इस देश में बढ़ता जाता है। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे खराब देशों में माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा टैक्स है। इस देश में टैक्स 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 इतने ज्यादा है कि आपका दिमाग घूम जाए। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाना शुरू कर दूं कि आप कितना टैक्स भरते हैं सरकार, आप हिंदुस्तान की सरकार को 3 स्तर पर टैक्स देते हैं, एक तो केंद्र सरकार को देते हैं, दूसरा राज्य सरकार को देते हैं, फिर तीसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देते हैं, और अभी ग्राम पंचायत को भी देना शुरू हो गया इस देश में। तो आप जो टैक्स भरते हैं वो 2 तरह के, एक तो प्रत्यक्ष कर के रूप में डायरेक्ट टैक्स, और एक तो इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर के रूप में। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, इनकम टैक्स जो आप भरते हैं, और इनकम टैक्स का एक भाई है कॉरपोरेट टैक्स जो आप कंपनी के रूप में भरते हैं, ये दोनों जो है ना वो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। इनको छोड़कर जितने भी टैक्स आप भरते हैं वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, CST, SST, SST को खत्म करके अब वैट लाया है,
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स भरते हैं, एग्जिट टैक्स देते हैं, एंट्री टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स देते हैं, सब तरह का जो टैक्स देते हैं आप, वो सभी इनडायरेक्ट हैं। दो टैक्स डायरेक्ट हैं, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। हाँ, ये टैक्स के रूप में आप जितना पैसा देते हैं भारत सरकार को, उसका मैंने इस साल के बजट में से हिसाब निकाला। हर साल महाराज जी भारत के लोग आज की तारीख में 7,50,000 करोड़ टैक्स भरते हैं हर साल। भारत के लोग 7,50,000 करोड़ केंद्र को, राज्य को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, तीनों स्तर पर। कैसे भरते हैं मैं आपको सरल सरल शब्दों में समझाता हूं। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, 45 रुपए का आता है। आपको मालूम है 1 लीटर पेट्रोल मात्र 12 रुपए का बनता है आज की तारीख। 1 लीटर पेट्रोल को भारत देश में जो कंपनी बनाती है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उनकी बैलेंस शीट के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल बनाने में ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए खर्च होता है। 7 रुपए खर्च होता है कच्चा तेल खरीदने में 1 लीटर, 5 रुपए खर्च होता है 1 लीटर कच्चे तेल को 1 लीटर पेट्रोल बनाने। लगभग 12 रुपए लीटर में पेट्रोल बनता है। अब उस पर 33 रुपए महाराज जी टैक्स लगता है। 12 रुपए लीटर में जो पेट्रोल उत्पादन होता है उस पर 33 रुपए टैक्स का लगता है। कहां से शुरू होता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, फिर CST, फिर राज्य के ऊपर लगने वाले तमाम कर, फिर बहुत तरह के दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। टोटल टैक्सेस 33 रुपए बैठता है, उत्पादन खर्चा 12 रुपए बैठता है, अर्थात पेट्रोल के खर्चे से ज्यादा पेट्रोल का टैक्स। आपने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा, 33 रुपए सरकार के खजाने में जमा कर दिया टैक्स के रूप में। 2 लीटर पेट्रोल खरीदा, 66 रुपए जमा किया। हर दिन भारतवासी 500 करोड़ लीटर पेट्रोल खरीदते हैं और 1 लीटर पे 33 रुपए टैक्स देते हैं, तो 500 करोड़ में 33 का गुणा कर दीजिए, लगभग 15,000 से 16,000 करोड़ का टैक्स हर दिन आप देते हैं पेट्रोल खरीदने में। इसी तरह डीजल, डीजल का उत्पादन खर्च 10 रुपए लीटर है और उसका टैक्स 20 रुपए लीटर है। डीजल के उत्पादन खर्च से 2 गुना उस पर टैक्स। भारत के किसान 300 करोड़ डीजल हर दिन खरीदते हैं और हर दिन 6,000 करोड़ टैक्स का देते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी खरीदें, आप मान लीजिए मुंबई में अपना घर बनाएं, घर बनाने के लिए आपको सीमेंट लगेगा। सीमेंट का एक पैकेट बाजार से 130 रुपए में आप जब खरीदते हैं तो उसमें 65 रुपए टैक्स जाता है। एक पैकेट सीमेंट का बनाने का खर्चा मात्र 65 रुपए ही आता है, 65 रुपए उसमें टैक्स जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए का आपने घर बनाया और 2 लाख रुपए का सीमेंट उसमें खर्च किया, तो 1 लाख रुपए आपने सीधे सरकार के खजाने में टैक्स का दे दिया। लोहा आप खरीदते हैं, लोहा लगाते हैं घर में, 27 से 30 रुपए किलो का लोहा मिलता है, 12 से 15 रुपए किलो का लोहा बनता है, उस पर लगभग उतना ही टैक्स आप देते हैं। फिर आप ईंट खरीदते हैं, ब्रिक्स, 4 रुपए की अगर एक ईंट है तो 2 रुपए टैक्स में जाता है, 2 रुपए उसका उत्पादन खर्चा है। फिर ईंट के साथ बालू लगती है, बालू तो महाराज जी फोकट की आती है, उस पर भी टैक्स लगता है इस देश में। बालू को कोई सरकार नहीं बनाती, वो ईश्वर देता है। पानी आता है बारिश का, पहाड़ों पे गिरता है, पहाड़ से बालू बहकर पानी के साथ आती है, नदी की तलहटी में जमा हो जाती है, वो बालू को सरकार हमें बेचती है, हमसे टैक्स भी लेती है, रॉयल्टी भी लेती है, बालू फोकट की होती है। फिर आप उसके बाद घर बन गया तो उसके बाद बिजली के तार डालते हैं, बिजली के तारों पर टैक्स है, बिजली के स्विच पर टैक्स है, बल्ब खरीदा, ट्यूबलाइट खरीदा, उस पर टैक्स है, बाथरूम बनाया उसमें जो कुछ लगाया उस पर टैक्स है, रसोई घर बनाया जो कुछ लगा उसमें टैक्स है। मैंने महाराज जी एक हिसाब निकाला कि 10 लाख रुपए का आदमी अगर घर बांधेगा तो कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स में चला जाएगा। मैंने हर आदमी जो घर बांध रहा है
वो सरकार को टैक्स भर रहा है। और घर बांधा तब आपने टैक्स दिया, अब घर बंद गया उसके बाद जिंदगी भर हाउस टैक्स अलग से देगा, वो जिंदगी भर देगा और वो स्क्वायर फिट के हिसाब से देना है। और उस घर के नीचे सड़क पर चलना है तो उसका टैक्स अलग से देना है आपको। सड़क पर अगर गाड़ी चलानी है तो उसका टैक्स अलग से देना है। जिस दिन आप गाड़ी खरीदेंगे उस दिन एडवांस में सरकार पूरा टैक्स आपसे ले लेती है। अब वो रोड टैक्स के नाम पे आप दे देते हैं, फिर वही गाड़ी को जब सड़क पर लेकर जाते हैं तो टोल टैक्स अलग से भरना पड़ता है। और वो टोल टैक्स का तो इतना बुरा हाल है महाराज जी, मुंबई से अगर पुणे चले जाए एक्सप्रेस हाईवे से तो 140 रुपए टोल टैक्स, 140 रुपए जाना 140 रुपए आना, जितना डीजल खर्चा नहीं होता उससे ज्यादा उस पर टैक्स लग जाता है। रोड टैक्स दिया फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है, टोल टैक्स अलग से देना है, रोड टैक्स अलग से देना है, फिर उसमें सरचार्ज अलग देना है, सेस अलग देना है, इतने इतने तरह के टैक्स सरकार हमसे ले रही है फिर भी सरकार का पेट नहीं भर रहा है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स, हर साल कोई नया टैक्स। और मैं सरकार के नेताओं से जब बात करता हूं कि आपको शर्म नहीं आती है, चुल्लू पर पानी में डूब मर जाओ तुम सब लोग, इतने हरामखोर हो, हम तुमको हर साल 7.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं और तुम हमको बीज नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, रहने को घर नहीं दे सकते, चलने को सड़क नहीं दे सकते, खाने को रोटी नहीं दे सकते, ऐसे हाल इस देश में। 105 करोड़ की प्रजा में 44 करोड़ की प्रजा ऐसी है महाराज जी जो शाम को भोजन नहीं कर पाती, वो संयम से भोजन छोड़ दे बात अलग है, खाने को चाहिए लेकिन है नहीं इस देश में उनके पास। 50% आबादी हमारे देश की है जिसके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज जी 20 करोड़ परिवार इस देश में रहते हैं जिनमें से 14 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को बैठने के लिए संडास की व्यवस्था नहीं है इस देश में। 14 करोड़ परिवार, वो परिवार की माताओं बहनों को सड़क पर बैठना पड़ता है खुले में संडास के लिए। 3.5 लाख गांव हैं इस देश में जहां रोज पीने का पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी सप्ताह में एक दिन या सप्ताह में दो दिन अधिक से अधिक मिलता है। और कई गांव तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी लेने के लिए 10 मील पैदल जाना पड़ता है तब एक माटला पीने का पानी मिलता है। कई परिवारों की माताओं को सवेरे 3 बजे पानी लेने जाना, 6 बजे तक पानी लेके आना, खाना बना के फिर 8-9 बजे पानी लेने जाना, दोपहर 2 बजे तक पानी लाना, फिर शाम का खाना बनाना, फिर पानी लेने जाना, फिर वापस आना, जिंदगी उनकी पानी लाने में ही बीत जाती है। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के एक कानून मंत्री को पत्र भेजा था और उनको मैंने पूछा था कि भारत में सबसे ज्यादा जो मुकदमे होते हैं वो किस बात पर होते हैं, तो उन्होंने कहा पानी के झगड़े में सबसे ज्यादा मुकदमे इस देश में होते हैं। नल के सामने सबका बाल्टी लगा हुआ है, पहले मुझे लेना कि पहले तुम्हें लेना, इसी में झगड़ा होता है और इसी में FIR होती है। माने जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत है पीने का पानी, सांस लेने को हवा, वो हमारे देश की सरकार हमारे लाखों गांव को नहीं दे पा रही है। इनको 7.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स लेने का अधिकार क्या? ये बात जब मैं उनसे कहता हूं नेताओं के मुंह से कोई बात नहीं निकलती है, जवाब नहीं देते हैं। मैं कहता हूं उनको कि भाइयों तुम्हारी उस दिन तक जय जयकार है जिस दिन इस देश की, जिस दिन तक इस देश की प्रजा सो रही है, जिस दिन उसको मालूम हो गया कि 7.5 लाख करोड़ रुपए को टैक्स भरते हैं और उसके बाद पीने का पानी नहीं मिलता, चलने को सड़क नहीं मिलती, खाने को रोटी नहीं मिलती, वो आपकी बोटी नोच के खा जाएंगे इस देश में। तुम उस दिन तक ईश्वर से प्रार्थना करते रहो जब तक इस देश की प्रजा को ये माहिती नहीं है। जिस दिन ये माहिती होना शुरू हो गई उस दिन इस देश की प्रजा तुमको सड़क पे खड़ा नहीं रहने देगी। ऐसे हमारे देश में हरामखोरी का शासन आया है। आजादी के पहले जितनी हरामखोरी होती थी आजादी के बाद उससे कई गुनी ज्यादा हो गई है। अंग्रेज जितना टैक्स कभी नहीं ले पाए इस देश से, उससे ज्यादा टैक्स अब इस सरकार ने लेना शुरू किया है। और इतना टैक्स लेने पे भी दिल नहीं भरता उसका।
मैं भारत देश की सरकार की तुलना एक दारू पीने वाले पति के साथ करता हूं। एक शराबी पति होता है, वो रोज अपनी बीवी के पास आता और कहता है कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज पैसा दे दे पीने के। बीवी सोचती है कल सुधर जाएगा, चलो आज दे दू। वो बीवी से लेके जाता, अगले दिन फिर आता, कहता कल से दारू नहीं पीऊंगा, आज और दे दे। फिर कल उसका कभी आता नहीं। भारत सरकार की यही हालत है, दारूबाज पति के जैसी, जो भारत के नागरिकों के सामने सरकार आती है कहती है आज ये टैक्स दे दो, दो साल के बाद हटा देंगे, तीन साल के बाद हटा देंगे, पांच साल के बाद हटा देंगे, लेकिन वो कभी हटता नहीं। आप बहुत सारे व्यापारी बंधुओं को मैं एक पुरानी बात याद दिलाता हूं। 1959 और 60 में जब सेल्स टैक्स आया इस देश में, तो केंद्र सरकार ने वायदा किया देश के लोगों से, और वो वायदा प्रधानमंत्री का वायदा था, कोई साधारण व्यक्ति का वायदा नहीं था, कि जैसे ही ये सेल्स टैक्स आएगा हम CST हटा देंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स हटा देंगे। परिणाम क्या हुआ? सेल्स टैक्स भी आया, 45 साल रहा, लेकिन CST भी रहा, उसको आज तक हटाया। भले इतने झूठखोर प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं कि संसद में वायदा करें, लोगों से वायदा करें, फिर टैक्स कानून वापस न लें। माने सरकार की हालत है नए नए टैक्स लगाना, नए नए टैक्स लगाना, टैक्स एक भी वापस नहीं लेना। और टैक्स ज्यादा से ज्यादा जब लगता है किसी देश में, उसका एक ही दुष्परिणाम होता है, जिस समाज पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स होता है वो समाज की वास्तविक आमदनी कम से कम होती है, रियल इनकम जिसको हम कहते हैं। अगर टैक्स ज्यादा होगा तो रियल इनकम कम होगी। कैसे होगी? आप जितनी कमाई कर रहे हैं वो आपकी जेब में नहीं रहेगी, टैक्स के रूप में सरकार के खाते में जाएगी। और सरकार हमारे लिए गए टैक्स के पैसे से न कभी मंदिर बनाती है, न कभी धर्मशालाएं बनाती है, न कभी पानी की व्यवस्था करती है, न भारत के गरीब लोगों की कोई मदद करती है। वो टैक्स का पैसा जो हम देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, उसका सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? विदेशी कर्जे का ब्याज भरने में, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेकर और जो चतुर्थ क्लास कर्मचारी है, कारकुन, उसकी पगार भरने। हमारे भारत देश में ब्याज का खर्च इतना ज्यादा हो गया, हर साल 1.5 से 2.25 लाख करोड़ रुपए का हम ब्याज भरते, ऊपर से राष्ट्रपति से लेकर और नीचे चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक को पगार का जो खर्चा है, आप सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति का एक साल का खर्चा 25 करोड़ रुपए। जब ये राष्ट्रपति बैचलर है, ब्रह्मचारी है, अकेला है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं, तो 25 करोड़ रुपए 7 बार खरीद पर, 10 बार बिक्री पर टैक्स। अब इसमें सरकार ने एक और बात कही है, दो तरह के टैक्स की उन्होंने बात कही है, एक इनपुट टैक्स और एक आउटपुट टैक्स है। वो क्या होता है? 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदा, कल्पना करो 4% उस पर बैठ है, ठीक है, वही माल आपने 2 लाख रुपए का बेचा और कल्पना करो फिर से 4% उस पर टैक्स है। तो जब आपने खरीदा तब आपको टैक्स भरना है, और जब आप बेच रहे हैं तब भी आपको टैक्स भरना है। लेकिन नेट टैक्स जो सरकार के पास जाएगा वो क्या? बिक्री के समय जो आपने टैक्स भरा और खरीद के समय जो टैक्स दिया है, दोनों को घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। जो आएगा हिस्सा वो नेट टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाएगा। तो आउटपुट टैक्स माने बिक्री के समय दिया जाने वाला, इनपुट टैक्स माने खरीद के समय दिया जाने वाला, दोनों को घटा के आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स वो जो है वो नेट वैट है, वो आपको सरकार के खजाने में भरना है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें समझने की है वैट में, वो ये कि हमारे देश की सरकार ने 550 वस्तुओं पर ये टैक्स लगाया है अभी ये साल। अगले साल सरकार कह रही है कि 2000 वस्तुओं पर और लगाएंगे, चिदंबरम का ये बयान है संसद में, और 2007 में 8000 और वस्तुओं पर लगाएंगे। माने 2007 तक हिंदुस्तान में 10,500 वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। कई व्यापारी महाराज जी आज मुझे ये कहते हैं, राज भाई हमको क्या, हमारे यहां तो वैट नहीं है। जैसे ये कपड़े का धंधा करने वाले लोग हैं ना, टेक्सटाइल वाले, इस पर ये साल वैट नहीं है। तो मैं कहता हूं चिंता मत करो, 6 महीने की देर है, अभी अगला फाइनेंशियल आ रहा है तो तुम्हारे ऊपर वैट आने वाला।
तो जो लोग आज ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी वस्तु जो हम बेच रहे हैं उस पर वैट नहीं है, अगले साल ऐसी 2500 वस्तुओं पर कुल हो जाएगा और उसके अगले साल 10,500 वस्तुओं पर हो जाएगा, और 10,500 वस्तुओं का जो उत्पादन हमारे देश में होता है उससे कितनी वस्तु ज्यादा है कुल, तो मात्र 45 वस्तु बचेंगी जिस पर वैट नहीं होगा, बाकी सब पर वैट होगा। जो कुछ भारत में बन रहा है उसमें मात्र 45 वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स नहीं होगा, बाकी सब पर। तो अब हम ये समझ लें कि हम ऐसी कोई वस्तु बेच रहे हैं जिस पर इस साल वैट नहीं है, अगले साल। अच्छा, एक जितना कुछ हम बेच रहे हैं अगर उस पर वैट नहीं है तो ये कल्पना मत करिए कि कभी नहीं होगा, अगले साल से और 2 साल के बाद लगभग 10,500 वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। एक कदम आगे चलूं, वैट के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे देश की सरकार से जो हमें सुनने को मिल रही है, बार बार हमको ये कहा जा रहा, रोज टीवी में जाहिरात आता है, अखबार में बड़े बड़े जाहिरात आते हैं, रोज वित्त मंत्री का बयान आता है, उसमें 8-10 माहिती वो दे रहे हैं। पहली माहिती दे रहे हैं वैट आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, एक माहिती, हाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी भ्रष्टाचार कम होगा। दूसरी वो माहिती दे रहे हैं कि दुनिया के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आएगा तो विदेश व्यापार में बहुत मदद मिलेगी। तीसरी माहिती वो दे रहे हैं कि इससे भारत के अधिकारियों की अधिकारशाही, ब्यूरोक्रेटिज्म जिसको हम कहते हैं, लाल फीता शाही, अधिकार शाही, वो बहुत कम हो जाएगी। चौथी माहिती वो हमको दे रहे हैं कि भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। पांचवी माहिती दे रहे हैं व्यापारियों को बहुत सुविधा और सहूलियत हो जाएगी। छठी माहिती वो दे रहे हैं कि चूंकि पूरा सिस्टम सेल्फ असेस्ड, आपके स्वयं के द्वारा असेस किया हुआ है, इसलिए इसमें आपका महत्व ज्यादा होगा। ये चल रहा है, हाँ ठीक। ऐसी ऐसी 10 माहिती दे रहे हैं, मैं आपको एक एक करके इसकी पोल खोलना चाहता हूं, सरकार कितनी झूठ बोलती है हमसे, हमारी सरकार कितना हमसे झूठ बोलती है, उसकी एक एक माहिती मैं आपको अभी देने की कोशिश करूंगा। 2-3 माहिती मैं आपको पहले दे दूं। सबसे पहले जब वैट आया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है यही राज्य में आया, याद है आपको 98 में, और परिणाम क्या हुआ, सरकार परेशान हो गई एक ही साल में, और सरकार ने वापस किया उसको। क्यों नहीं लाया आगे तक, क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ। तकलीफ क्या हुआ, जो अधिकारी वर्ग था उनका यह कहना था कि यह इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको लगातार चलाए रखना मुश्किल है, इससे अच्छा सेल्स टैक्स। तो महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और वापस लिया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई दे जाएंगे। दूसरी एक जानकारी आपको दे दूं, हमारे भारत देश में हरियाणा नाम का एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भारत के सबसे पहले राज्यों में स्थान हासिल किया वैट लागू करने का। ओम प्रकाश चौटाला ने पूरी ताकत से वैट लागू किया, हरियाणा के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, ग्राहकों ने बहुत विरोध किया, चौटाला ने किसी का नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ, चौटाला बुरी तरह से चुनाव हार गया, और व्यापारी और उद्योगपति ग्राहकों ने कहा कि अगर ये नहीं सुनता है तो कान पकड़ के उतार। अब चौटाला को पूछा जाता है कि आप चुनाव हार गए क्यों, तो कहता है मैंने वैट लागू किया, जबरदस्ती किया, इसलिए चुनाव हार गए। मैं आपको एक और महत्व की बात बताता हूं, भारत के जितने मुख्यमंत्रियों ने वैट का समर्थन किया या वैट लागू करने की बात जोर शोर से कही वो सब चुनाव हारे। महाराष्ट्र के पड़ोस में एक राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सबसे खराब वैट का कानून महाराज जी उसी ने बना, सबसे खराब। और वो सबसे खराब क्या था, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड शो में। उसने सबसे खराब वैट का कानून बनाया और सबसे बुरी तरह से चुनाव हारा दिग्विजय सिंह। दूसरा मुख्यमंत्री हमारे भारत देश में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, वो भी बुरी तरह से चुनाव हारा जो वैट का पूरा समर्थन करता था। तीसरा मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा कर्नाटक में,
वो चुनाव इतनी बुरी तरह से हारा कि उसकी अपनी पक्ष की सरकार नहीं बनी, उसके सबसे खराब विरोधी पक्ष के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी कर्नाटक, और एसएम कृष्णा को कर्नाटक छोड़ के महाराष्ट्र आना पड़ा गवर्नर बन के, राज्य ही छूट गया उसका। वो है तो जितने मुख्यमंत्रियों ने बैठ लाया सब बुरी तरह से चुनाव हारे। कारण क्या है? जनता ने पसंद नहीं किया, जनता ने पसंद नहीं किया, व्यापारियों ने पसंद नहीं किया, उद्योगपतियों ने पसंद नहीं किया बैठ को। उसका कारण क्या है, क्यों पसंद नहीं किया और क्यों 8 राज्यों में अभी तक विरोध हो रहा है और क्यों मेरे जैसा आदमी इस बैठ का विरोध कर रहा है, उसके 3-4 मुख्य मुख्य कारण है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण, सरकार कहती है जी दुनिया के 123 देश में बैठ है, हम भारत में क्यों नहीं लाए? इसमें सरकार थोड़ा सच बोलती है और बड़ा सच छुपा जाती है। बड़ा सच क्या है? दुनिया के जिन 123 देशों में वैट है वहां पर दूसरा कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई भी दूसरा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, और भारत देश में जहां वैट आ रहा है वहां 14 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 15वां इनडायरेक्ट टैक्स वैट है। यूरोप के देशों में सबसे पहले वैट आया जर्मनी में, और लैटिन अमेरिका के देशों में सबसे पहले वैट आया ब्राजील। ब्राजील दुनिया का पहला देश है महाराज जी जो वैट लाया, लेकिन लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राजील की सरकार ने सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए उसके बाद वैट लाया, और 20 साल महाराज जी ब्राजील की सरकार ने बहस किया वैट पर, संसद के अंदर संसद के बाहर। 20 साल के बाद जनता ने जो कुछ सुझाव दिए, व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने जैसा कहा वैसा वैट आया। तो ब्राजील ने 20 साल लगाया वैट लाने के लिए। 1960 में उनके यहां चर्चा शुरू हुई और 1980 में वैट आया, 20 साल लगा उनको अध्ययन करने के। इसी तरह जर्मनी में 12-13 साल बहस चली जर्मन संसद में, उसके बाद वैट आया। जितने भी देशों में वैट है, आपको दो बातें महत्व की मैं जानना बताना चाहता हूं, वहां कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है इनडायरेक्ट टैक्स में। और 23 देश तो ऐसे हैं महाराज जी जहां डायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स है वैट। जैसे स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट और वो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स वहां कुछ भी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स है। लक्जमबर्ग एक दूसरा देश है जहां वैट है, बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं। पनामा एक तीसरा देश है जहां वैट है, बाकी कोई टैक्स नहीं। ऐसे 23 देश हैं दुनिया में जहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट, बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है। 84 देश ऐसे हैं जहां पर दो ही टैक्स हैं, एक वैट और एक इनकम टैक्स, बाकी कोई टैक्स नहीं। अब भारत की बात करें, भारत देश में 14 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और ऊपर से वैट। ये स्थिति हमारे देश में, तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन देशों ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए और वैट लाया वो सफल होने वाले, क्योंकि जनता को मजा आ गया, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स चले गए, बहुत मजा आ गया, और डायरेक्ट टैक्स भी चला गया और ज्यादा मजा आ गया। अब जिन देशों में महाराज जी डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है और वैट है, उन देशों में वैट का रेट क्या है, वैट की दर क्या है और कितनी वस्तुएं हैं जिन पर वैट है। स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे ऐसा अद्भुत देश है जहां वैट सिर्फ 1.5% है, 1.5%, और सभी वस्तुओं पर एक जैसा 1.5%। माने 100 रुपए का माल बनाइए, 1.50 रुपए टैक्स दे दीजिए, बात खत्म हो गई। और सिंगल पॉइंट है, एक बार के उत्पादन पर आप 1.5 रुपए भर दीजिए 100 रुपए माल पर, उसके बाद जिंदगी भर के लिए भूल जाइए, ना आपको बिल रखना है, ना कैश मीमो रखना है, ना वाउचर रखना है, ना परचेज रजिस्टर, ना सेल रजिस्टर, ना कोई डॉक्यूमेंट। आपने घोषित किया मैंने 100 रुपए का माल बनाया, 1.5 रुपए भर दिया, बात खत्म हो गई। अब उस माल को आप पूरे यूरोप के किसी भी देश में बेचने के लिए भेज दीजिए, कभी भी दूसरा टैक्स नहीं लगेगा।
यूरोप के देशों ने क्या किया है महाराज जी, एक दूसरे के देश जहां पर वैट है वहां कस्टम ड्यूटी भी हटा दिया, कस्टम भी नहीं लेते हैं, आयात कर भी नहीं लेते। तो इतना सरल कर दिया उन्होंने टैक्स के स्ट्रक्चर को, वहां कोई भी दूसरा टैक्स नहीं है, सिर्फ एक वैट है और वो भी 1.5% है। दूसरे कई देश हैं वहां पर किसी में 3.5%, 4%, 6%, 7.5%, 8%, 9%, इसके आगे जाता नहीं है। कुछ सेलेक्टेड वस्तुएं हैं जिन पर 17% है, सेलेक्टेड, जिनकी संख्या 20-25 से ज्यादा नहीं है, हजारों दूसरी वस्तुओं पर बहुत कम है, और बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है। यह सबसे महत्व की बात है जानने की। हिंदुस्तान में जो सबसे खराब बात हो रही है वैट में वो ये कि दूसरे ढेर सारे टैक्सों के साथ इसको सरकार ला रही है। एक और महत्व की बात है, यूरोप के सभी देशों में वैट जो है ना वो सैंड वैट है, स्टेट वैट नहीं, कहीं भी राज्य सरकार नहीं लाई, केंद्र की सरकार लाई। सैंड वैट और स्टेट वैट में फर्क क्या होता है? अगर आप सैंड वैट भरते हैं तो अपने माल को उस देश के किसी भी राज्य के किसी भी गांव में कभी भी ले जाके बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टेट वैट होने से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सेंट्रल का नहीं है, स्टेट का है, और स्टेट में अलग अलग कानून अगर बना दिए हैं तो तकलीफ ही तकलीफ। तो इंटर स्टेट बिजनेस बहुत तकलीफ में आता है जब स्टेट वैट होता है, और सेंट्रल वैट होता है तो इंटर स्टेट बिजनेस बहुत सरल हो जाता है। तो दुनिया के सभी देशों में जहां वैट है वो सेंट्रल वैट है, स्टेट वैट नहीं है। तीसरी एक और महत्व की बात, जहां भी देशों ने वैट लाया दुनिया के हर एक देश में दो नियम लगा दिए उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम क्या बना दिया कि सरकार उसकी मालिक नहीं है, कस्टोडियन है। ये रूल है, नियम सरकार जितना कर
जो भी है, ये किसी भी अधिकारी को नहीं होता, यूरोप के किसी भी देश में और लैटिन अमेरिका के किसी देश में उनको अधिकार नहीं है, जुडिशियल राइट्स नहीं है, उनको सिर्फ ड्यूटीज हैं, राइट्स नहीं, कर्तव्य है। राइट्स तो टैक्स पेयर को है, कर्तव्य तो टैक्स लेने वाले को है, कलेक्टर को है। और ज्यादातर देशों में जब वैट का कमिश्नर या वैट ऑफिसर किसी व्यापारी को फोन करता है तो एक या दो कंडीशन में ही फोन कर सकता है, बाकी तो फोन भी नहीं कर सकता। वो कंडीशन क्या है, मान लो आपने टैक्स भरा और गलती से ज्यादा दे दिया, तब वो वैट कमिश्नर आपको फोन करेगा, सर आपका तो मैंने रिटर्न देखा है, आपने तो गलती से ज्यादा टैक्स भर दिया है, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपका वापस पैसा देने आना चाहता हूं। आप बोलेंगे सैटरडे को आना, सैटरडे जो वीकली ऑफ है, संडे ऑफ है, सैटरडे आना, तो और आपके हाथ में पैकेट देके जाएगा, वो 10,000 यूरो डॉलर का हो सकता है, 50,000 यूरो। यूरोप के जिन लोगों से मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं भाई वेट कमिश्नर का फोन आया, तो कहते हैं राजीव भाई दिवाली होती है उस दिन, जिस दिन फोन आया दिवाली, पक्का है कि हमको 10,000-20,000 डॉलर देने आ रहा है, पक्की बात है, अदरवाइज वो फोन करेगा नहीं आपको। एक तो ये कंडीशन में वो फोन करता है, दूसरा कि आपने मान लीजिए टैक्स भरा है और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई बड़ी भारी गलती हो गई है, कोई ब्लंडर हुआ है, छोटी गलती नहीं बड़ी गलती कोई हुई है, या आपका टैक्स कंसल्टेंट से कोई बड़ी गलती हुई है, तब वो आपको फोन करेगा और आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा कि आपकी ये गलती है, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूं। आप उसको अपॉइंटमेंट का टाइम दीजिए, फिर वो आपके साथ बात करेगा। और आप बोलेंगे मेरे घर में आ जाओ तो आ जाएगा, आप बोलोगे मेरी दुकान में आ जाओ तो आ जाएगा। आपको अगर सुविधा है, वो पूछेगा आपको सुविधा है तो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, आप कहोगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है आपके ऑफिस में आने का, ठीक है मैं आता हूं आपके पास। ये तो होता है वहां का वैट कमिश्नर। और यूरोप के कोई भी देश का वैट कमिश्नर टैक्स पेयर को सर करके बात करता है, सर सर सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, आदि 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 ये बात करता है। भारत का वेट कमिश्नर आपका सर तोड़ के बात करता है, वो तो सर सर करके बात करता है। भारत का वेट कमिश्नर तो आप जाओगे तो कमरे में कुर्सी नहीं रखेगा, कहेगा बाहर खड़े रहो, और खुद बैठा बैठा चाय पीता रहेगा, कहेगा फुर्सत नहीं है, कल आओ, परसों आओ, नर्सों। तो टेंडेंसी में बहुत फर्क है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत महत्व की है, फिर मैं आता हूं मुख्य विषय पर। दुनिया के किसी भी देश के वेट कमिश्नर को पगार नहीं होती है, सैलरी नहीं मिलती है। उसको कमीशन मिलता है, जितना वो टैक्स लेगा उसका कमीशन फिक्स होता है, और हर देश में अलग अलग है। कोई देश में 0.5%, माने आपने जो टोटल टैक्स इकट्ठा किया उसका 0.5% आपका कमीशन, आपने जो टैक्स इकट्ठा किया उसका 1% कमीशन, 1% से कहीं ज्यादा नहीं है और 0.25% से कहीं कम नहीं, तो 0.25% से लेकर 1% के बीच में कमीशन फिक्स होता है, किसी को सैलरी नहीं है, कमीशन। और एक मजे की बात, किसी भी वैट कमिश्नर को यूरोप के किसी भी देश में सरकार का घर नहीं मिलता, रहने के लिए किराए के घर में रहना पड़ता, सरकार का टेलीफोन नहीं मिलता, सरकार का मोबाइल फोन नहीं मिलता, सरकार की कार नहीं मिलती, सरकार के फोकट के टिकट नहीं मिलते हवाई जहाज में आने जाने के लिए, बीवी बच्चों को तो कभी कोई सुविधा नहीं मिलती, जो करना है अपने पैसे से करना है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, आपको जो कमीशन मिल रहा है उसी से आपको अपनी जिंदगी चलानी है, बाकी आगे कोई बात नहीं। भारत देश में इसका ठीक उल्टा होता है, वेट कमिश्नर को पगार तो है और उसको ढेर सारे पगार के साथ इमोल्यूमेंट्स, हाउस टैक्स अलग मिलता है, हाउस रेंट अलग मिलता है, उसके बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं उसके लिए पैसा अलग मिलता है, फोकट की बिजली जलाने के लिए, फोकट का डीजल पेट्रोल फूकने के लिए अलग से मिलता है, बीवी बच्चों को हर साल घुमाने के लिए हिल स्टेशन पर जाए अलग पैसा मिलता है, और उसके
मम्मी पापा भी बीमार पड़ जाए वैट कमिश्नर के तो उनको खर्चा अलग मिलता है। तो भारत का जो वैट कमिश्नर है और यूरोप का वैट कमिश्नर है, जमीन आसमान का अंतर है। हमारे देश की सरकार ने ये सारी माहिती छुपाई लोगों से और बोल दिया कि यूरोप के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि उन 123 देशों में किन आधार पर वैट है और हमारे यहां किन आधार पर आ। सबसे खराब बात हमारे देश में जो हुई है वैट में कि ढेर सारे दूसरे टैक्स भरते हुए आपको वैट देना है। अब इसमें एक और महत्व की बात मैं कह दूं, फिर ये स्लाइड में शुरू करूंगा। भारत देश के नागरिक अगर नेट इनकम कर रहे हैं तो उनको टैक्स देना है इनकम टैक्स। बात समझ में आती है? नेट इनकम। और अगर आप ग्रॉस इनकम कर रहे हैं तो अब आपको टैक्स देना है वैट। वैट जो है ना, ग्रॉस इनकम पर लगने वाला टैक्स है। ये बात सबसे महत्व की है जिस पर मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और महाराज जी से विशेष निवेदन करना चाहता हूं, ये सबको बताएं। आपकी ग्रॉस इनकम अब टैक्सेबल हो गई, नेट इनकम पहले से टैक्सेबल थी, इसका माने आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल हो गई। आप अपनी इनकम छुपा नहीं सकते। वैल्यू एडेड टैक्स लाने के पीछे हिंदुस्तान की सरकार की सबसे बड़ी साजिश है वो ये कि भारत के व्यापारी और उद्योगपति वर्ग की सारी इनकम सरकार की आंखों के सामने रहे, आप उसे छुपा नहीं सके। अभी क्या होता था, अभी जब आप सेल्स टैक्स देते थे तो उसमें ग्रॉस इनकम टैक्सेबल नहीं थी, नेट इनकम टैक्सेबल थी, तो उसमें आप थोड़ी बहुत बचत कर सकते थे। बचत करने को सरकार कहती है कर चोरी, और मैं उसको कहता हूं बचत। सरकार उसको कर चोरी कहती है कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आप इस देश की डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ा रहे हैं। अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हैं तो आप इस देश की बचत बढ़ा रहे हैं। सरकार कहती है कि कर चोरी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप टैक्स सेविंग्स वो करने से इस देश की बचत बढ़ाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान के जो लोग टैक्स में पैसे कटौती करते हैं या टैक्स नहीं भरते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, वही लोग सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं। वही लोग सबसे ज्यादा डोनेशन। महाराज जी, मेरे बहुत दोस्त हैं जो हर साल इनकम टैक्स की चोरी करते के लिए उनके घर में चार चार चार्टेड अकाउंटेंट हैं जिनको महीने का 50,000 रुपए का सैलरी देते हैं। इनकम टैक्स नहीं जाना चाहिए। मैं उनको कहता हूं भाई तुम इतना खर्चा चार्टेड अकाउंटेंट पे करते हो और इतना दान में भी देते हो, रोज का 1,00,000 रुपए का दान दे सकते हो, इनकम टैक्स नहीं देते। रोज का 2,00,000 रुपए का दान दे सकते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते। मैं जानता हूं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जैन समाज में ही हैं जो रोज का 2,00,000 रुपए दान देते हैं, 3,00,000 रुपए देते हैं, 4,00,000 रुपए देते हैं। साल का उनका जो टोटल डोनेशन है ना, वो मैंने दिन में डिवाइड कर दिया, तो रोज का 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 रुपए तक डोनेट करने वाले लोग इनकम टैक्स नहीं भरते। क्यों? मैंने एक दिन उनसे पूछा, उसमें से कई लोग तो मुंबई में, तब उन्होंने मुझे एक बहुत गंभीर बात किया और उस दिन से मैं उनको सल्यूट करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। सरकार उनको टैक्स चोर कहती है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। वो कहते हैं राजीव भाई, भारतीय संस्कृति में कुपात्रों को दान नहीं देते। कुपात्र माने भारत की सरकार, उसको हम नहीं दे सकते। आप दान में मांगो तो घर भी खाली कर देंगे। आपको गौशाला बनानी है, हम देंगे 10 करोड़। आपको तालाब खोदना है, हम देंगे 20 करोड़। आपको गरीब बहनों की शादी करनी है, गरीब बेटियों की, हम देंगे 50 करोड़। कोई भी काम के लिए दरवाजा खुला है, इनकम टैक्स नहीं देंगे। और उसमें से एक तो मेरे ऐसे अजीज मित्र, वो कहते हैं अगर कुपात्रों को दान दिया तो नरक में जाना पड़ता है, हम नरक में नहीं जाना चाहते। अर्थात बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि सरकार के टैक्स के पैसे को चोरी करके वो दान में देते हैं।
और इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भारत देश में जो पैसा टैक्स से बचाया जाता है उसी से दान का काम चलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पैसा टैक्स से बचता है वही मंदिरों में काम आता है, वही समाज के काम में लगता है। वो जीव दया के काम में लगे, मंदिर के काम में लगे, मठ के काम में लगे, किसी दूसरे सामाजिक काम में लगे, ये वही पैसा है जो टैक्स से आपने बचा लिया। अब सरकार क्या कह रही है कि आपके पास टैक्स से कोई पैसा बचने ना पाए। वैट के नाम पर आपकी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल कर दिया और नेट इनकम टैक्सेबल है। इनकम टैक्स के नाम पर माने टोटल इनकम अब आपकी टैक्सेबल है, माने कोई भी पैसा अब आप बचा नहीं पाए, अर्थात अब आप पैसे का दान नहीं कर पाए, अर्थात पैसे का दान न हो तो मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई संस्थाएं ना चले, अर्थात मंदिर और मंदिर से जुड़ी संस्थाएं ना चले तो धर्म का काम बंद हो, अर्थात आप सब ईसाई बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये है असली मकसद बैट का, और मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड में। भारत सरकार ने इतनी बड़ी साजिश किया है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये बैट का ड्राफ्ट आया, आपको मैं एक जानकारी देता हूं, ये बैट का ड्राफ्ट आया तो सबसे पहले ड्राफ्ट को बनाने वाली जो कमेटी असीम दास गुप्ता, मैंने उनको एक प्रश्न पूछा था, इस ड्राफ्ट में एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा ये प्रोविजन कैसे आया। महाराज जी इसमें एक स्लाइड है, वो आपको तो शायद दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ वो स्लाइड ये है कि जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में काम करते हैं वो सब टैक्स फ्री है, उनको वैट नहीं। All international organizations are VAT free. 22 राज्यों ने कानून बनाया VAT का, सभी राज्यों के कानून में international organizations को VAT free रखा है। अब ये international organization कौन है? जितने भी चर्च organization है सभी international organization, वो सभी VAT free हैं। और जितने हिंदू धर्म के मठ मंदिर हैं वो सभी अब वैट में आ गए। और ये परिवर्तन किस दिन आया? जिस दिन मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री बना उसी दिन ये प्रोविजन डाला गया। इसके पहले एक ड्राफ्ट बना था, वो बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी की एक सरकार चलती थी ना, उसमें एक वित्त मंत्री थे, उनका नाम था जसवंत सिंह, और थोड़े दिन एक वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा। उनके समय में जो ड्राफ्ट बनाया गया उसमें यह प्रोविजन नहीं था, आप ज्यादा ध्यान देना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वैट से अलग रखना ये मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें डाला गया। मनमोहन सिंह इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है, सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री, क्योंकि मनमोहन सिंह इस बात को दो बार अपने मुंह से कह चुका है कि मैं तो मैडम का प्रधानमंत्री हूं। वो पब्लिक मीटिंग में बोला, ऐसे नहीं बोला, एक बार पब्लिक मीटिंग में बोला है और एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। जिस दिन मनमोहन सिंह की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उसी दिन उसने कहा था मैं मैडम का प्रधानमंत्री हूं, और मैडम बगल में बैठी। पत्रकारों ने कहा आप भारत के प्रधानमंत्री? नहीं नहीं मैं मैडम का प्रधानमंत्री। अर्थात जैसे मैडम कहेगी वैसे ही मैं करूंगा। मैडम कौन है? क्रिश्चियन लॉबी की सरमुख्तिया सोनिया गांधी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वैट फ्री बनवा दिया, एक प्रोविजन डलवा दिया। सारे चर्च हिंदुस्तान में, वो कैथोलिक्स हो या प्रोटेस्टेंट हो, सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में गिने जाते हैं। मुंबई में जितने चर्च चलते हैं सभी इंटरनेशनल है। मुंबई तो छोड़ो, गांव के गरीब से गरीब गांव का चर्च इंटरनेशनल है, क्योंकि उसका जो लिंकेजेस है वो यहां नहीं है, वो बाहर है। तो उन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर वैट फ्री, अर्थात सारी क्रिश्चियन संस्थाएं वैट फ्री हैं, ठीक है। अब दूसरा, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन,
बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं गल्फ कंट्रीज के साथ। आपको मालूम है बहुत सारी मस्जिद भारत में बनती है जिनके लिए पैसा आता है तो वहां से आता है, अरब देशों से आता है, उनके पैसे से यहां की मस्जिद बनती है, उनका एफिलिएशन वहां है। तो जिनको भी पैसा बाहर से आता है उनका एफिलिएशन वहां होता है तो वो इंटरनेशनल हो जाते हैं। तो ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बैट फ्री, अर्थात मस्जिद और चर्च बैट फ्री, अर्थात मस्जिद और चर्च की किसी भी एक्टिविटी पर कोई टैक्स नहीं, अर्थात मस्जिद और चर्च की किसी भी एक्टिविटी पर सरकार के अधिकारी का कोई अंकुश नहीं। आपकी एक्टिविटी वैटेबल है या नहीं है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन आपके ऊपर सरकार का अंकुश है या नहीं वो प्राइमरी है। आपके जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका एफिलिएशन भारत के बाहर कहीं नहीं हो सकता। इनका सबका एफिलिएशन वो भारत के अंदर होगा। तो भारत के अंदर हिंदू धर्म, हिंदुओं में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, और तेरापंथी और दूसरे सभी तरह के मत मतांतर के लोग आते हैं, सनातनी भी आते हैं, गैर सनातनी भी आते हैं, सब तरह के लोग, उनके जितने संगठन संप्रदाय संस्थाएं वो सभी वैट के अधीन आ गई। एक और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, सरकार ने ये तय कर दिया है कि अभी जो संस्थाएं प्रॉफिटेबल है नॉन प्रॉफिटेबल है दोनों, ये सभी बिजनेस करती हैं, बिजनेस डेफिनेशन में डाला है उसको। अभी तक आप क्या करते हैं, आप अगर मंदिर चलाते हैं, मठ चलाते हैं तो आप सेवा करते हैं, लेकिन सरकार ने वो सेवा हटा दिया, अब उसको बिजनेस में डाल दिया। बिजनेस में दो क्लासिफिकेशन किया है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस और प्रॉफिटेबल बिजनेस, अर्थात मंदिर मठ सभी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में आते हैं, और नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी वैट में आ गया। प्रॉफिटेबल बिजनेस तो आ ही गया है, नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आ गया। अब इतनी बातें ध्यान में रखकर अब आप जरा देखिए ये स्लाइड्स, इसमें मैं आपको भैया ऑन करो जरा, हाँ ये तो मैं ये हाथ में ले सकता हूं, ये तो बहुत सरल सी बात है, ये परिभाषा है, लेट अस अंडरस्टैंड वैट। जरा नेक्स्ट एंटर मारो, हाँ वैल्यू एडेड टैक्स, सरकार की डेफिनेशन क्या है, सरकार की डेफिनेशन ये है, ड्राफ्ट में ये डेफिनेशन उन्होंने दिया है, वैल्यू एडेड टैक्स इज मल्टी स्टेज टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉमोडिटी, ध्यान से पढ़ना इसको, ऑफ ए कॉमोडिटी और सर्विस और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ सर्विस विद और विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद और विदाउट मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप कोई भी सर्विस करें, कोई भी काम करें, आप उसमें से प्रॉफिट बनाएं या ना बनाएं, सीधी सीधी बात है, आप मंदिर चलाते हैं नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, लेकिन ये वैट की परिभाषा में है। महाराज जी आप बैठना चाहेंगे इधर, आप इधर आएंगे देखने के, हाँ ठीक है। तो जो बिजनेस आप करते थे, बिजनेस की अभी तक हमारे यहां डेफिनेशन थी, ऐसा कोई काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाए वो बिजनेस है, और ऐसा कोई काम जो बिना पैसे के किया जाए वो सर्विस है। सेवा और व्यापार में फर्क था, अब सरकार ने क्या कर दिया, सेवा को व्यापार बना दिया। सबसे ज्यादा विरोध होने की जरूरत है इसी डेफिनेशन पर, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस माने मंदिरों के सारे ट्रस्ट, मठों के सारे ट्रस्ट, उसको भी तुमने इसमें डाल दिया। और ये बात जब मैंने महाराज जी कई ऐसे सांसदों को कही जो थोड़े धर्म प्रेमी है, जो थोड़े जीव दया प्रेमी है, जो कभी कभी आप दिल में कहीं कहीं कोई दीपक जलता रहता है, उन्होंने कहा राजीव भाई सच में हमको मालूम नहीं ये हो गया, सच में हमको मालूम नहीं ये हो गया।
मैंने कहा आप संसद में गए हैं, हमने आपको संसद में इसलिए भेजा है, आप वहां बैठे बहस करें, चर्चा करें। वो कहते हैं हमको सरकार ने ड्राफ्ट ही नहीं दिया, चर्चा क्या करें। मैंने कहा तुमने चिल्लाया क्यों नहीं संसद में, जितना तुम राबड़ी देवी लालू यादव के लिए चिल्लाते हो और जितना मुलायम सिंह और मायावती के लिए चिल्लाते हो, तुमको इससे चिल्लाना चाहिए था कि सरकार ड्राफ्ट नहीं दे रही है, ड्राफ्ट नहीं दे रही है, और इतना हल्ला मचाना चाहिए था कि सरकार ड्राफ्ट देगी और समय से पहले देगी और तुम उसमें ये देख लेते और इस पर संसद में बहस करते या विधानसभा में बहस करते और इसको निकल पाते। ये बहस नहीं हुआ, निकाला नहीं गया, इसलिए टैक्स नहीं था। अब इस डेफिनेशन से आप समझ लीजिए कोई भी मंदिर, कोई भी मठ, कोई भी संस्था जो दूरे लंबे व्यक्तियों के लिए काम करे, जी दया के लिए काम करे, कुछ भी करे, वो सभी बैठ में आ गए। बैठ में आने का मतलब जिन पर टैक्स नहीं, बाकी सभी वस्तुओं पर टैक्स है। और वो टैक्स की दर कैसी है? कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर 1% टैक्स है, 1%। सोना, चांदी, सोने चांदी के गहने, हीरे, जवाहरात, बेशकीमती पत्थर, पर्ल्स, इन सभी पर 1% वैट है। उसके बाद कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर 4% वेस्ट है, 4%, 4%। फिर कुछ वस्तुएं हैं जिन पर 12.5% है, कुछ वस्तुएं हैं जिन पर 20% है, और कुछ वस्तुएं हैं जिन पर 34% तक वैट है। 34% लास्ट लिमिट है महाराज जी, वैट 34 में क्या क्या आता है? जितनी भी मोटर स्पिरिट माने डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और जो गैस आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाने में, ये सभी और इनसे निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स, उसकी पूरी एक सूची है, 20-22 प्रोडक्ट है, उसमें 34%। तो 1% वाला तो हीरा, जवाहरात, सोना, चांदी आदि आदि। 4% में खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं, 12.5% में खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं,
20% में बहुत सारी अन्य वस्तुएं और 34% में लीज। सबसे ज्यादा जो टैक्स में वस्तुएं हैं वो 12.5% में, उससे कुछ कम 4% में है, और सबसे कम 1%। 3, जिन वस्तुओं पर वैट नहीं है महाराज जी वो जरा सुन लें। सबसे ज्यादा वैट फ्री वस्तु है दारू, शराब, शराब पर वैट नहीं है, शराब को टैक्स फ्री किया है। मैंने एक पुढ़ारी को पूछा कि भाई तुमने ये शराब को टैक्स फ्री कैसे कर दिया, दूध पर वैट है, छाछ पर वैट है, दही पर वैट है, मिठाइयों पर वैट है, शराब पर नहीं। सरकार क्या चाहती है? दूध मत पियो, शराब पियो, ताक मत पियो, छाछ मत पियो, शराब पियो। एक पुढ़ारी को मैंने पूछा, और वो पुढ़ारी मंत्री स्तर का, मैंने पूछा भाई दारू को कैसे वैट फ्री किया, तो उसने कहा आपको माहिती नहीं है भारत के जितने भी सांसद हैं सबके पास दारू के कारखाने, जितने भी आमदार हैं, आमदार बने एमएलए, एमएलए और खासदार बने एमपी, ज्यादातर एमपी और एमएलए दारू के धंधे में हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर नाम सुनना चाहें विजय माल्या, जानते हैं आप, राजा से खासदार है, दारू का सबसे बड़ा उत्पादक है, किंगफिशर, और उसकी पूरी पार्टी है जनता पार्टी जो दारू के पैसे से चलती है, और ये वही जनता पार्टी है महाराज जी जो मुरारजी देसाई के जमाने में बनी थी, जिन्होंने दारू बंदी कराई थी। आपको मालूम है मुरारजी भाई का, मुरारजी भाई के में एक पार्टी बनी थी, जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी जनता पार्टी, वो जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में मुरारजी देसाई आए थे, और उनकी ताकत से उन्होंने गुजरात में दारूबंदी कराई थी। थोड़े दिन अगर वो रह जाते तो भारत में दारूबंदी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनको गिरा दिया। तो जो जनता पार्टी बनी दारू का विरोध करने के लिए, आज उस जनता पार्टी का प्रेसिडेंट दारू का सबसे बड़ा धन्यवाद है विजय माल्या, उसकी पूरा पक्ष दारू से चलता। तो उन्होंने कहा जब विजय माल्या जैसे खासदार है तो दारू पे वैट कैसे आ सकता है, इसलिए वैट फ्री शराब जो है ना वैट। उसके बाद दूसरी वस्तु जिस पर वैट नहीं है वो है लॉटरी, सब लॉटरी वैट फ्री, लॉटरी पर कोई वैट नहीं, माने सट्टेबाजी करो और दारू पियो दोनों टैक्स, माने दोनों में ही मरो और डूबो, इसके लिए वैट फ्री। ऐसी कई कई वस्तुएं हैं जो वैट फ्री, और महाराज जी नमक पर वैट है, हाँ नमक पर वैट है, और दारू वैट फ्री है, लॉटरी वैट फ्री है, नमक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, मीठू जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उस पर वैट है। और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को कहते हुए, अभी थोड़े दिन पहले भारत में ड्रामा हुआ था, वो आपने देखा हो, सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी के मीठू सत्याग्रह का 75वां साल मनाया, देखा, सोनिया गांधी दांडी मार्च में गई, साबरमती आश्रम गुजरात से शुरू होके और दांडी समुद्र तट तक, उसके साथ राहुल गांधी गया, प्रधानमंत्री गया, पूरा कांग्रेसी लोग गए, क्या करना, महात्मा गांधी को याद करना है, क्यों, उन्होंने मीट सत्याग्रह किया था और मीट का टैक्स हटाया, वो महात्मा गांधी का मीट सत्याग्रह का याद करने के लिए फिर से एक यात्रा निकाली और उसमें मीट पर टैक्स लगाया। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए, गांधी जी के शरीर का हत्या नाथुराम गोडसे ने किया था, गांधी जी के विचार का हत्या तो ये गांधीवादी लोग करते हैं। मीट पर बैठ कर और मीट पे ही बैठते ही लगा दिया महाराज जी, भारत की कई राज्य सरकारों ने गांधी जी का चरखे पर बैठ लगा, गांधी चरखे पर बैठ, गांधी जी की टोपी पर बैठ, और गांधी जी की फोटो रखते हैं, ये सब होता है। 2 अक्टूबर को उसके सामने अगरबत्ती जलाई जाती है, धूपबत्ती जलाई जाती है, जिंदाबाद बोला जाता है, और गांधी जी के हर काम में वैट टैक्स है, जो कभी अंग्रेज सरकार नहीं कर पाई वो भारत सरकार ने कर दिया। अंग्रेज सरकार ने एक बार हिम्मत किया था मीट पर टैक्स लगाने का,
गांधी जी ने उसको परास्त किया अंग्रेज सरकार। अंग्रेज सरकार ने खादी पे वैट लगाने का कोशिश किया, गांधी जी ने परास्त किया। लेकिन गांधीवादी सरकार जो इस देश में चल रही है वो खादी पे भी वैट लगा दिया, चरखे पे भी लगा दिया, टोपी पे भी लगा दिया, मीट पे भी लगा दिया, ये सब वस्तुओं पर 4% वैट है। जिन पे होना चाहिए टैक्स वहां नहीं है, जिन पे नहीं होना चाहिए उन पर वैट है। ये जो 5 श्रेणी बनाई है सरकार ने 550 वस्तुओं की, एक श्रेणी वैट फ्री, उसमें 46 वस्तुएं हैं, मैंने बता दिया लॉटरी दारू जैसी 46 वस्तुएं हैं, उनमें से एक वस्तु है शक्कर, वो कह रहे हैं अगले साल इन पे हम लगाएंगे। ये जो 46 वस्तुएं इस साल टैक्स फ्री, अगले साल इन पे लाएंगे, तो मैंने अगले साल इनको भी वैट आने वाला है। और जिन वस्तुओं पे 4% है उनकी सूची करीब 150 है, जिन पर 12.5% है उनकी सूची करीब 175 से आगे है, और बची हुई पर 20% और 34% है। ये है टैक्स का रेट। अब इसमें नेक्स्ट, ये एक मिनट, ये स्लाइड में आपको सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए, ये लगेगा कैसे टैक्स। मान लीजिए कोई वस्तु है ए, उसकी परचेज प्राइस है 100 रुपया और उस पर टैक्स है 4%, ठीक है। तो 4% वैट लगने के बाद उसकी जो नेट परचेज प्राइस हो जाएगी वो 104 रुपये, ठीक है। इसमें टैक्स कितना है? 4 रुपये। अब यही वस्तु को अगर 150 रुपये में बेच दिया जाए, आपने खरीदा 104 रुपये, वस्तु की कीमत है 100 रुपया, अब वो वस्तु को आप बेचते हैं 150 रुपये में, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेशन उसके हिसाब से, और जो टैक्स पेबल है वो नीचे, फिर सेट ऑफ जो ऑलरेडी पेड आपने कर दिया है वो नीचे, फिर नेट टैक्स जो पेबल है वो ये। एक चार्ट के माध्यम से ये समझा। और इसमें 4-5 वस्तु में लिया है, एक वस्तु ले लिया 200 रुपये का है 8% है, दूसरा ले लिया 300 रुपये का है 12% है, ऐसे करके ये समझा है। ये कोई खास बात नहीं है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट। अच्छा, अब इसको एक दूसरे तरह से समझाएं। आपकी मान लीजिए परचेज ऑफ द मंथ मोटी 1 लाख रुपए, एक महीने में आपने 1 लाख रुपए का खरीदी किया, उसी महीने में आपने जो टैक्स पे किया परचेज पर 4% अगर मान लीजिए दर है तो 4,000 रुपए, ठीक है। फिर अगर आपने सेल किया उसी का 1.5 लाख रुपए, तो फिर 1.5 लाख रुपए पर टैक्स, और जो 1.5 लाख पर आपने टैक्स दिया और 1 लाख पर शुरू में दिया, अब उसको घटाया जाएगा, तो जो निकलेगा वो नेट वैट आपको पे करना है। नेक्स्ट। अब जो वैट आया है उससे परिवर्तन क्या क्या किया इन्होंने, बहुत सारे जो टैक्स कानून हटाने की जरूरत थी वो नहीं हटा, और जो फालतू के थे उनको हटा दिया। मेजर चेंजेस, अभी हमारे यहां क्या था, सेल्स टैक्स था ना, तो वो 1 पॉइंट टैक्स था, अभी वैट लाके ट्रिपल पॉइंट टैक्स कर दिया। सबसे बड़ा चीज, कोई टैक्स आप एक बार दे दें वो सरल है, या बार बार भरेंगे वो सरल है। एक बार भरेंगे तो सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है कि वैट आने के बाद सरलता बढ़ेगी, सरलता नहीं कठिनता बढ़ेगी। फिर उसके बाद रिड्यूस नंबर ऑफ रेट स्लैब्स लीडिंग टू रिड्यूस नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, ये सरकार कहती है, ये मैं नहीं मानता, सरकार के ड्राफ्ट में कैसे कहा गया, फुल सेट ऑफ एज अगेंस्ट सेट ऑफ विद रिटेंशन रेंजिंग फ्रॉम 4.5% to 5.5%, शिफ्ट फ्रॉम ऑडिट असेसमेंट टू सेल्फ असेसमेंट। इसका इतना बड़ा झूठ है ये सेंटेंस, सरकार कह रही है कि सेल्फ असेसमेंट का पूरा है, तो आपने अधिकारियों को क्यों बिठा दिया हमारे ऊपर, अगर सेल्फ असेसमेंट ही है, हमने जो कह दिया वो आप मान लो, फिर अधिकारी क्यों उसको क्रॉस चेक करें, क्यों उसको वेरीफाई करें, क्यों क्रॉस वेरीफाई करें। इसका माने ये है कि झूठ बोल के आपको फंसाना। यूरोप में जहां भी सेल्फ असेसमेंट में है वैट, वहां अधिकारी कुछ नहीं पूछ सकता आपसे, आपने डिक्लेयर किया इतना टैक्स बनता है, बात खत्म हो गई, उसके बाद कोई आपसे कॉमा फुल स्टॉप में बात नहीं करेगा।
इवन ये गल्फ कंट्रीज है ना, छोटे छोटे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान, इन देशों में भी व्यापारी जो कह दिया बात खत्म हो गई। कोई अधिकारी आपसे नहीं आके पूछेगा आपने सही कहा या झूठ कहा। माना वहां यह जाता है कि व्यापारी जो कह रहा है वो सच ही है, क्योंकि वो देश का नागरिक है। हमारे यहां इसका ठीक उल्टा है। हमारे यहां ये माना जाता है कि व्यापारी सब झूठ, चोर है, बेईमान है, डकैत है, इसलिए अधिकारी को उसके ऊपर बिठा दिया जो ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, जो महाहरमखोर है। ये जो अधिकारी वर्ग को सरकार ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बताती है, वो अधिकारी वर्ग की असलियत अभी आपने देखी होगी। थोड़े दिन पहले हमने टीवी चैनल पर एक सीरियल देखा, घूस महल, उसका नाम घूस महल, और वो दिखाया आज तक टीवी चैनल। उसमें एक बात उन्होंने बताई कि दिल्ली का सेल्स टैक्स कमिश्नर डिपार्टमेंट में कैसे घूस ली जाती है और दी जाती है, वो मैंने देखा। दिल्ली का सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट महाराज जी, जिसका नाम अभी वेट डिपार्टमेंट हो गया है, उसका ऑफिस जहां पर है उसके ठीक ऊपर विजिलेंस कमिश्नर का ऑफिस है। विजिलेंस कमिश्नर का काम है घूसखोरों को पकड़ना, भ्रष्टाचारियों को पकड़ना। उसके नीचे सेल्स टैक्स कमिश्नर का ऑफिस है जहां भयंकर घूसखोरी चलती है। और मैंने मेरी आंखों से देखा 83 अधिकारी, 83 ऑफिसर्स को हाथ से पैसा लेते हुए, रिश्वत लेते हुए, घूस लेते हुए, और अपने खीसे में रखते हुए, लिया खीसे में रखा, लिया खीसे में रखा। और उसने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया, सवेरे वो अधिकारी आते हैं 9 बजे ऑफिस में, सबका खीसा खाली होता है, कुछ नहीं होता खीसे, हाँ पॉकेट भी नहीं होता, खाली खीसा होता है, और थोड़ा कुछ 2-5 रुपया हो तो काउंटर पर रख देते, जाते हुए ले लेते। अंदर ऑफिस में घुसते हैं तो खीसा खाली होता सब, फिर दिन भर घूसखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं, पैसा बनाते हैं। और इस चीज के लिए घूस लेते हैं, आप सी फॉर्म मांगने गए 500 रुपए घूस दो तभी सी फॉर्म मिलेगा, 1000 रुपए दे दो तभी मिलेगा, 2000 रुपए दे दो तभी मिलेगा। फॉर्म तो फोकट में मिलना चाहिए, लेकिन आपसे पैसा लेके देगा, और उसमें फिर बंटवारा ऊपर से नीचे। आपकी कोई फाइल है इस मेज पर है, यहां से आगे लेके जानी है 5000 रुपए, आगे से और आगे ले जानी है 10000 रुपए, वहां से कमिश्नर के पास जानी है 30000 रुपए, सभी रेट फिक्स है। वो 83 अधिकारी दिन भर घूसखोरी करते हैं, शाम को वो इकट्ठे होते हैं 5 बजे और सारा खीसे का पैसा निकाल के काउंट करते हैं कितना इकट्ठा हुआ, फिर उसको कमिश्नर से लेकर और नीचे कारकुन तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। भारत में सबसे ईमानदारी से अगर कुछ होता है तो भ्रष्टाचार होता है, पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी क्या है, जिसने जितना घूस लिया अपना निकाल के रखा, फिर उसको काउंट किया, फिर अधिकारी के हिसाब से रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ। यह हमने अपनी आंखों से देखा है, और ये भारत की राजधानी के सेल्स टैक्स कमिश्नर के ऑफिस में हो सकता है तो छोटे छोटे गांव में क्या होता होगा सोचो। ऐसे घूसखोर हरामखोर व्यापारियों को सरकार बिठाती है ये कहकर कि ये कर्तव्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर लगाम अंकुश नहीं है, अंकुश उनके ऊपर है, व्यापारियों के ऊपर। ये जो सरकार कह रही है ऑडिट असेसमेंट से सेल्फ असेसमेंट पे जाने वाला सिस्टम है, ये सबसे बड़ा ब्लफ है, और इसी में फंसाया है हम सबको सरकार। बहुत सारे व्यापारी जो वैट को समर्थन कर रहे हैं वो मुझको एक ही तर्क देते हैं, सेल्फ असेसमेंट हो गया। मैंने कहा तुम्हारी की क्या अधिकार आया जरा ये बताओ, सेल्फ असेसमेंट किए हुए को भी इनकम सॉरी वैट कमिश्नर रिजेक्ट कर सकता है, अपने नए तरीके से उसकी जांच करा सकता है, तुम्हारे सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या। फिर उसके बाद एबोलिशन ऑफ टर्नओवर टैक्स, सरचार्ज एंड परचेज टैक्स, ये स्टेट लेवल पे ये तीन टर्नओवर टैक्स, सरचार्ज एंड परचेज टैक्स ये खत्म किया है, और महाराष्ट्र में मर्जर ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स एक्ट, राइट टू यूज एक्ट विद वैट के साथ मर्ज कर दिया है, इतना हुआ है। जो मेजर है मैंने आपसे कहा सीएसटी खत्म नहीं हुआ, सर्विस टैक्स खत्म नहीं किया, प्रोफेशनल टैक्स खत्म नहीं किया, रोड टैक्स खत्म नहीं किया, टोल टैक्स खत्म नहीं किया, ऑक्ट्रॉय तक खत्म नहीं किया,
जो करना चाहिए वो नहीं किया, फालतू कम किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, अब ये वैट के बेनिफिट सरकार बता रही है, क्या क्या सुविधाएं होने वाली है, क्या क्या आपको लाभ होने वाला है। उसमें एक लाभ वो बताते हैं, आपको जो है ना रिफंड मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा, एक लाभ। दूसरा वो बताते हैं कि ये जो स्टेट लेवल पे टर्नओवर टैक्स, सरचार्ज आदि आदि थे, ये हट जाएगा। फिर कहते हैं ओवरऑल टैक्स बर्डन रैशनलाइज होगा, तार्किक होगा, प्राइस विल जनरल फॉल, सरकार कह रही है। मैं एक महीने का स्टडी किया है, अभी एक महीना माने जब से वैट आया, लगभग एक महीने बाद किस किस वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी है। कर्नाटक और महाराष्ट्र, दो ही राज्य का अभी मैं किया है, कम से कम 15% और अधिक से अधिक 35% कीमतें बढ़ी जो भी वस्तु पर वैट आया। तो सरकार का ये इतना बड़ा झूठ है कि कीमतें कम होगी, कोई कीमत कम नहीं हुई, सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी। और कुछ वस्तुओं की कीमतें तो इतनी बढ़ी है कि कोई सोच नहीं सकता, जैसे किसान के काम आने वाली बहुत सारी चीजें जिन पर जिंदगी में कभी टैक्स नहीं था, उस पर वैट आ गया। अभी किसान बौखलाए हुए हैं कि इतना कीमत कैसे बढ़ गया महीने भर में, वो ऐसे कि उस पर वैट आ गया। जैसे किसान के काम आता है थ्रेशर, थ्रेशर होता है जिससे अनाज निकालते, थ्रेशर के एक एक अंग पे वैट लगा दिया, उसका नट बोल्ट पंखा वंखा सब पे वैट लगा दिया, उसकी कीमत बढ़ गई 35% कीमत बढ़ गई। सब किसान बौखलाते, मुझे पूछते हैं ये कीमत इतनी बढ़ी कैसे, वैट आया। जिंदगी में किसान की छोटी छोटी चीज है, फावड़ा होता है ना फावड़ा, उस पर बैठ लगा दिया, खुरपी उस पर बैठ लगा दिया, कुदाली उस पर बैठ लगा दिया। तो जो जिंदगी में किसान कभी किसी वस्तु पे टैक्स नहीं भरा, वो भी बैठ में डाल दिया। तो कीमतें बढ़ गई हैं, कम नहीं हो रही, और ये झूठ सरकार लगातार बोल रही। और ये तो सबसे बड़ा झूठ है, ट्रांसपेरेंसी विल इंक्रीज, अभी मैं बताऊंगा आपको, और देयर विल बी हायर रेवेन्यू ग्रोथ, माने सरकार को टैक्स कलेक्शन मिलेगा, यही सबसे बड़ा सच है। सरकार को जास्ती से जास्ती टैक्स मिलेगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी, यही सच है, बाकी ये सब झूठ। अभी दिखाता हूं कैसे झूठ है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वैट इन इंडिया, कैसा स्ट्रक्चर है। अभी हमारे यहां जो वैट आ रहा है वो सैंड वैट नहीं आ रहा, ध्यान रखना इस बात का। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा दुनिया के सब देशों में सैंड वैट है, चाइना में सैंड वैट है, श्रीलंका में सैंड वैट है, मलेशिया में सैंड वैट है, इंडोनेशिया में सैंड वैट है, फिलीपींस में सैंड वैट है, ब्राजील में सैंड वैट है, मैक्सिको में सैंड वैट है, जर्मनी में सैंड वैट है, सब जगह सैंड वैट है, भारत में सैंड वैट नहीं है, स्टेट वैट है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट वैट है, और इस स्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा 14 और टैक्सेस हैं, प्लस कस्टम ड्यूटी है, प्लस इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, और उसका ऑब्लिक कॉरपोरेट टैक्स, इतने सब के साथ वैट है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और सरकार, नेक्स्ट, हाँ ये मैं आपको बता दिया है, इसलिए अब इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैंने बताया एक शेड्यूल ए है जिसमें टैक्स फ्री गिफ्ट है सबके साथ, शेड्यूल बी है जिसमें 1% टैक्स वाले हैं, शेड्यूल सी है 4% टैक्स है, शेड्यूल डी है 20% है, ये शेड्यूल ई है जिसमें 34% तक वैट है, मोटर स्पिरिट्स जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा। एक शेड्यूल एफ है जिसमें अदर गुड्स हैं जो इनमें से किसी में नहीं है, और अगले साल से एक नया शेड्यूल आने वाला है जिसमें 2000 और वस्तुएं हैं, फिर एक नया शेड्यूल आएगा 8000 और वस्तुएं हैं, टोटल 10,500 वस्तुओं पर वैट होगा 2007 में, यह सरकार का अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट, रेट है जो मैं आपको पहले ही बता दिया, 1% है, 4% है, 12.5% है, उसके बाद 20%, 34%। सीएसटी स्टिल एप्लीकेबल, सरकार ने एक वायदा किया, मैं भरोसा नहीं करता क्योंकि 1960 में वायदा किया था सीएसटी हटाएंगे, अभी एक वायदा किया है कि हम सीएसटी आधा करेंगे, फिर उसके अगले साल आधा करके फिर पूरा खत्म करेंगे, भरोसा नहीं क्योंकि शराबी आदमी जो होता है ना उसका भरोसा नहीं होता। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
अब देखिए ये तो बहुत खतरनाक है भैया, इसके एक पहले वाला छूट गया। भाजी बेच सबसे नीचे जो था ना, है ना, ठीक पर सब भाजी बेचने वाले का धंधा 5 लाख से कम है, पानी पूरी बेचने वाले का धंधा 5 लाख से कम है, पान पट्टी चलाने वाले का धंधा 5 लाख से कम है, चाय बेचने वाले का धंधा 5 लाख से कम है, माने इन सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो बाई आती है ना आपके यहाँ भाजी बेचने, अभी उसको रजिस्ट्रेशन करना, वो बाई क्या समझती है क्या होता है रजिस्ट्रेशन, क्या होता है वैट, वो तो बेचारी पालक बेचने आती है, बेच के चली जाती है, 10-20 रुपए अपना कमा लेती है, लेकिन सरकार इतनी हरामखोर है उससे भी कह रही है रजिस्ट्रेशन कराओ। क्यों कराना है? इसलिए कि अगले समय में उन पे भी वैट लगाना है। कारण क्या है? इसमें बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है महाराज जी। प्रोविजन ये है कि सरकार जिस दिन चाहे उसका अधिकारी वैट कमिश्नर टैक्स की रेट को उलट पलट कर सकता है जिस दिन चाहे एक सिंगल नोटिफिकेशन से। उसको कानून बनाने की नई दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, असेंबली में जाने की जरूरत नहीं है, संसद से पास कराने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उसको मन में आया वो एक नया नोटिफिकेशन लाएगा और वो नोटिफिकेशन ये कहेगा कि अभी 1 लाख रुपए से ऊपर के सब लोगों को वैट पे करना है। अभी 5 लाख किया, अगले साल 1 लाख कर देगा, फिर कहेगा जी 10,000 से ऊपर का धंधा करने वालों को सबको वैट पे करना, फिर 1,000 रुपए तक भी आ जाएंगे। माने सरकार तो बिल्कुल नंगी भूखी है, जहां से भी मिले खींचना है, चूसना है हर हालत में आपसे, इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर क्या? तो आपने कानून का उल्लंघन किया ऐसा माना जाएगा, और उस पर दंड कितना, उसके प्रोविजन क्या है? तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको कम से कम 2,000 रुपए दंड। कोई राज्य में 2,000 है, कोई राज्य में 1,000 है, 1,000 से कम कहीं नहीं है, 2,000 से ज्यादा कहीं नहीं है, तो कम से कम 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में दंड, और जितने दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उतने दिन प्रतिदिन के हिसाब से और दंड। कोई राज्य 200 रुपए प्रतिदिन, कोई 100 रुपए प्रतिदिन, ऐसे ऐसे दंड। और अगर दंड नहीं भरा तो मान लो आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, पेनल्टी लगा वो भी नहीं भरा, तभी वैट कमिश्नर आपको 1 साल के लिए जेल भेज देगा, ये उसको अधिकार है। और जेल भेजने के लिए भी जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, रिग्रस इम्प्रिजनमेंट, रिग्रस इम्प्रिजनमेंट, रिग्रस इम्प्रिजनमेंट सश्रम कारावास। आपको मैं एक सरल भाषा में समझाता हूं, तुरंत समझ में आएगा। भारत देश के क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर रिग्रस इम्प्रिजनमेंट हुआ था, तो क्या था, उनको जेल के अंदर चक्की चलानी पड़ती थी, जेल के अंदर वो जो बैल वाला कोलू होता है ना, उसमें बैल को निकाल के उनको लगाया जाता था और कोलू चलाना पड़ता था, ये तो रिग्रस इम्प्रिजनमेंट होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रिग्रस इम्प्रिजनमेंट 1 साल के लिए। इतना बड़ा क्राइम, और मान लो 1 साल का रिग्रस इम्प्रिजनमेंट होने वाला है, आपको माहिती है, कल्पना करो, और आप भाग गए, एब्सकॉन्डेड हो गए, तो आपकी पत्नी को जेल, पत्नी आपकी, उसको इम्प्रिजनमेंट कर सकता है 1 साल के। दुनिया के किसी कानून में नहीं है ये। भारत में भी सबसे खराब कानून है ना आईपीसी 302 मर्डर। आपने अगर किसी का मर्डर किया है, आईपीसी 302 का केस बनता है, उस केस में भी जिसने मर्डर किया है उसी को जेल होती है, उसकी पत्नी को कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन इसमें अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जेल चलो 1 साल। और ये बात जब मैंने कई सारे मंत्रियों के सामने लाई तो एक ही जवाब दिया, हमने पढ़ा नहीं इसको, कानून बन गया, पढ़ा नहीं अभी इसको, और कहते हैं हम इसका संशोधन करेंगे बाद में। पहले से अगर तुमने पढ़ा नहीं तो कानून क्यों लगाया, इतनी जल्दी क्या थी? अमेरिका WTO साइन करने के बाद भी वैट नहीं लाया तो तुमको क्या गरज पड़ी है वैट लाने की? तुम झगड़ा कर सकते हो WTO में कि अमेरिका लाएगा तब हम लाएंगे, नहीं लाता हम भी नहीं लाएंगे।
हमारे यहां तो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ऐसी स्थिति। माने रजिस्ट्रेशन नहीं करना इतना बड़ा क्राइम कर दिया है कि आपको एक साल की जेल हो जाए। तो बेचारे ये छोटे छोटे खोमचे चलाने वाले, पानी पूरी बेचने वाले, चाय की पपड़ी चलाने वाले, पान पट्टी का धंधा करने वाले, इनका क्या होने वाला है? कोई आएगा ऑफिसर, कहेगा रजिस्ट्रेशन दिखाओ। कहेगा क्या रजिस्ट्रेशन? अच्छा चलो जेल एक साल की। वो कहेगा साहब एक साल की जेल, अच्छा 10,000 रुपए लो, 20,000 रुपए लो, 50,000। यू हैव टू कन्विंस हिम, लाओ 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। तो इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। हाँ बढ़ रही है। कैसे? पहले वो चुपचाप लेता था, अब सीधे डकैती डालेगा, इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। पहले जो चोर थे ना वो सब अब डकैत हो जाएंगे, सीधे गुंडागर्दी करके आपकी जेब से निकालेंगे। और ये जो छोटे छोटे बेचारे धंधे करने वाले हैं, ये इतने गरीब भोले भाले मासूम होते हैं, कोई भी इनको हड़का नहीं पाता। पुलिस वाले तो आप देखते हैं ना कैसे हफ्ता वसूली करते हैं, अब पुलिस वालों के साथ ये वैट ऑफिसर हफ्ता वसूली पे लग जाएंगे। सड़क के किनारे कोई भी कुछ धंधा कर रहा है वो आएगा, रजिस्ट्रेशन दिखाओ, रजिस्ट्रेशन नहीं है लाओ पैसे, नहीं तो जेल चलो, नहीं तो तुम्हारा सामान जब्ती करता हूं। ये सब हरामखोरी अब शुरू होगी इस देश में। 6 महीने के बाद नवंबर दिसंबर से ये सब आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा। मुंबई में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है, उसमें डाल दिया। और इससे भी ज्यादा एक खतरनाक प्रोविजन नेक्स्ट वो आएगा, मैं अभी बता देता हूं। वो प्रोविजन क्या है कि आप अगर 5,00,000 रुपए से कम का धंधा करते हैं तो आपको टैक्स तो नहीं देना, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी, वैट रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। इनकम टैक्स में होता है ना, आप अगर इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ऐसे ही वैट रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। माने हर भाजी बेचने वाले को, चाय का धंधा करने वाले को रिटर्न फाइल करना है। अभी रिटर्न क्या होता है पूछो आप उससे। सड़क पे अगर कोई व्यक्ति आपको बता दे, पानी पूरी बेचने वाला, कि तुमको अगले 6 महीने के बाद वैट रिटर्न फाइल करना मायती है, वो कहेगा ये क्या होता है वैट रिटर्न। मैंने एक ऑफिसर को पूछा वैट रिटर्न कैसे फाइल करेगा, वो तो अंगूठा छाप, वो तो कभी शाला में नहीं गया। और हिंदुस्तान की हरामखोर सरकार 58 साल में सबको शिक्षण नहीं दे पाई, इसमें हमारी क्या कमी है? सरकार की कमी है। हम तो 7,50,000 करोड़ रुपए हर साल तुमको टैक्स देते हैं, तुम्हारी हरामखोरी है कि पूरा देश 100% लिटरेट नहीं हुआ, वो रिटर्न कैसे फाइल करेगा? तो उसी में एक प्रोविजन है कि वो चार्टेड अकाउंटेंट की मदद से रिटर्न फाइल करे, टैक्स कंसल्टेंट की मदद से रिटर्न फाइल करे। अर्थात चार्टेड अकाउंटेंट्स का धंधा अभी बढ़ने वाला है। परेश भाई बहुत धंधा बढ़ेगा। और हाँ अभी इनका धंधा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति आएगा रिटर्न फाइल कराएगा तो फीस देगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा, टैक्स कंसल्टेंट का बढ़ेगा। तो ये क्लास थोड़ा बैठ के सपोर्ट में आ गया इसी एक छोटे से प्रोविजन से। लेकिन इससे तकलीफें कितनी होने वाली है उसका अंदाजा ना सरकार को है और ना उस व्यक्ति को है जिसके ऊपर ये आने वाले। तो आप टैक्स भले मत दीजिए, रिटर्न फाइल करिए, और रिटर्न फाइल करिए माने कानूनी कार्यवाही पूरी करिए। और रिटर्न फाइल करने के लिए आपको हर चीज लगेगी, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना तो आपको सब कुछ देना पड़ता है, आपकी बिक्री कुल कितनी हुई, आपने कितना कमाया है, भले आप टैक्स नहीं भर रहे हैं लेकिन आपको बताना पड़ेगा। माने आपकी सारी इनकम सरकार की नजर में है, और वो नजर में रखने का एक ही उद्देश्य है, आज नहीं तो कल सरकार उस पर डाका डालने वाली है, कुछ भी इनकम छोड़ने वाली नहीं है आपके हाथ में। नेक्स्ट, ये थोड़ा टेक्निकल प्रोविजन है। सरकार का एक व्हाइट पेपर आया, उसमें जो लिखा वो सभी राज्य सरकारों ने कानून बना दिया। इसमें कानून क्या है कि जो स्टॉक ट्रांसफर है, कोई भी स्टॉक ट्रांसफर, उसमें टैक्स नहीं है, क्योंकि वहां वैल्यू एडिशन नहीं है।
आप समझ लो ये एक प्रोविजन बहुत समझ के डाला है इसमें। मैंने भारत सरकार के एक फाइनेंस सेक्रेटरी को पूछा, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी को, ये आपने ये जो डाला इसमें क्या सोच के डाला? तो उनका, देखो राजीव भाई, सच्ची बात यह है कि ये सब विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए डाला। विदेशी कंपनी को फायदा कैसे पहुंचेगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बाटा, बाटा का नाम सुना, एक परदेशी कंपनी, उसकी दुकानें सब जगह है, ठीक है। अब बाटा की दुकान रिटेल शॉप है और उनकी फैक्ट्री कलकत्ता में है, आगरा में है, कानपुर में है। तो कलकत्ता में माल बनाया और रिटेल शॉप में भेज दिया, तो स्टॉक ट्रांसफर हुआ, तो वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, तो वो टैक्स में नहीं है। माने बाटा कंपनी को टैक्स पे नहीं करना बार बार। वो अपनी दुकान से जब जूता बेचेगा तभी एक बार देना है। और वो स्टॉक ट्रांसफर की परिभाषा क्या है, आपकी फैक्ट्री है और आपकी ही दुकान है, तो फैक्ट्री से माल दुकान में आया है, स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। भारत की स्वदेशी कंपनियों की तकलीफ क्या है, उनकी तकलीफ यह है कि उनके पास ना तो फैक्ट्री है ना अपनी दुकान है। बहुत सारे भारतवासी तो सब कॉन्ट्रैक्टरशिप पे काम करते हैं और करवाते हैं, उनकी अपनी कोई दुकान नहीं, तो उनको दूसरों की दुकानों से माल बेचना है, तो माने उनको तो कुछ भी करना है तो उसमें वैल्यू एडिशन होना है, तो उनको तो टैक्स पे करना ही करना है। फिर नेक्स्ट, ये एक टेक्निकल प्रोविजन है, डेट का उसमें चक्कर है कि जो दिन से कानून लागू होगा उसके हिसाब से वो सब है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद कंपोजिशन स्कीम है। कंपोजिशन स्कीम बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड क्या है, जिनको कंपोजिशन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है उसको ही उसमें से डिलीट कर दिया, इनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। और जिनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती उसकी लिस्ट में बताऊंगा अभी थोड़ी देर, तो आपको पता चलेगा कि फिर मिलेगी किसको। पूरा व्यापारी वर्ग जो इस देश में है उनमें से मात्र 1% से भी कम लोगों को कंपोजिशन स्कीम का फायदा मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। लेकिन वो फ्रॉड करके फंसा जरूर लिया आपको कंपोजिशन स्कीम के नाम पर। बहुत व्यापारी ये कहते हैं हम बैट में नहीं जाएंगे, हम तो कंपोजिशन में चले जाएंगे। उनको मालूम नहीं है कि उनमें से बहुत लोगों का बिजनेस कंपोजिशन के बाहर है। क्या क्या बिजनेस है जिनको कंपोजिशन का फायदा नहीं मिलेगा उसकी एक लिस्ट में आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट, हाँ अभी देखिए यही आ गया, तुरंत आ गया। आप देखिए किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरर है, कंपोजिशन नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम का लाभ नहीं है। इंपोर्टर है, कंपोजिशन का लाभ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद होलसेलर है, नहीं है। फिर क्या बचा, ओनली रिटेलर। और रिटेलर में भी उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि जो रिटेलर रीसेल नहीं करेगा उसी को कंपोजिशन स्कीम में जाने का रास्ता है। मुश्किल से 0.5% व्यापारी बचेगा इसमें, बाकी सब आने वाले। तो इसलिए इसका लाभ कोई ज्यादा किसी को नहीं है, लेकिन ज्यादा व्यापारियों को सरकार ने फंसाया ये कंपोजिशन स्कीम नाम देके। नेक्स्ट, अभी देखिए एक मिनट भैया, फिर से वापस लाएंगे। देखिए इसमें कुछ और लिस्ट है नीचे, अगर होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, खाने पीने का सामान की व्यवस्था, ईटिंग हाउस यहाँ बहुत चलते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में तो बहुत, वो डिब्बा की व्यवस्था है, ये जितने डिब्बा फेरी वाले लोग हैं ये सब ईटिंग हाउस में आते हैं। रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, होटल, रिफ्रेशमेंट रूम, कैटरर्स हैं, बेकरीज, इतने सब लोगों के लिए सेपरेट स्कीम करनी है कंपोजिशन की, अभी तक आई नहीं है। कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन उसमें भी कोई इफ और बट लगाएंगे और उसमें फंसेंगे फिर। नेक्स्ट, ये तो बेकार, ये आपके काम का नहीं, क्योंकि आप में से कोई इस कैटेगरी में नहीं आता होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अभी देखिए, ऑक्ट्रॉय एंट्री, कोई टैक्स एबॉलिश नहीं किया।
अभी एक सबसे खतरनाक बात जो होने जा रही है इस देश में, 6 महीने के बाद महाराज जी क्या होगा, ये वैट के अधिकारी जितने भी नेशनल हाईवेज हैं स्टेट ऑफ सब पे चौकी बना के बैठ जाएंगे, चेक पोस्ट बने, जैसे टोल बूथ होते हैं वैसे अभी वैट बूथ बनेंगे, नेशनल हाईवे नंबर 1 पे, नेशनल हाईवे नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, और सब जगह वैट ऑफिसर बैठेंगे, जो भी माल लॉरी में भर के जाएगा, ट्रक में भर के जाएगा, सबको चेक करेंगे और चेक करते समय 20 डॉक्यूमेंट्स की मांग करेंगे, 20 डॉक्यूमेंट्स आपको होना कंपलसरी है, उसमें से अगर आपके पास 19 हैं, एक कम है, तो आपकी लॉरी और ट्रक जब्त कर लिया जाएगा और वो वैट अधिकारी का हो जाएगा। उसमें जो माल भरा हुआ है वैट अधिकारी चाहे तो उसको नीलाम कर सकता है, चाहे तो बाजार में बेच सकता है, आपके ऊपर दंड लगा सकता है, आपको जेल करा सकता है। तो ट्रक जिस व्यक्ति का है उसको जेल करा सकता है, मेरा ट्रक है, आपका माल है, आप तो मालिक हैं माल के, मैं तो ट्रक ओनर हूं, मैंने तो भाड़े पर ट्रक दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है मेरे पास तो ट्रक मालिक भी जवाबदार है, वो भी जेल जाएगा। अब इसमें मुश्किल क्या होने वाली है मैं बताऊंगा। आप कहोगे ये इतना सख्ती से लागू करेंगे, नहीं करेंगे, वो मैं भी जानता हूं, इसमें धंधा करेंगे, धंधा कैसे करेंगे, पुलिस वाले क्या करते हैं, ट्रक वाले को रोकते क्या करते, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, अब ये धंधा सब सेल्स टैक्स ऑफिसर करेंगे, यही होने वाला है। और आपके पास जितना ज्यादा संवेदनशील सामान है उतनी बड़ी रिश्वत मांगेंगे, संवेदनशील से मतलब आप दूध का ट्रक भर के ले जा रहे हैं, कल्पना करो, और दूध जो है ना हाईली पेरिशेबल आइटम है, थोड़ी भी देर हुई तो फट जाएगा, आपको मालूम है कि इसने अगर ट्रक रोक लिया, 2-5 घंटे खड़ा कर दिया, मेरा तो 1,00,000 रुपए का नुकसान, तो रिश्वत उतनी ही ज्यादा, भाई 50,000 दे दो अभी ट्रक छोड़वाना। अगर मान लीजिए भाजी है उसमें, और भाजी है जो जल्दी खराब हो सकती है, तो उसमें ज्यादा रिश्वत, फल है उसमें ज्यादा रिश्वत, जितना ज्यादा संवेदनशील माल रिश्वत उतनी ही ज्यादा। तो अभी बड़े बड़े हाईवेज पर आपको जो पुलिस के कर्मचारी घूस लेते रिश्वत लेते मिलते पाए जाते हैं, वो अब मिलकर वैट ऑफिसर्स के साथ ये धंधा करेंगे, और हर ट्रक ओनर को ट्रक भेजते समय एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाता हूं, मुंबई से आपने दूध का टैंकर भर के कल्पना करो नागपुर भेजा, तो यहां पहला जो एंट्री वो आएगा, चेक पॉइंट आएगा, पहला सबसे पहला वैट, वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि मुंबई से नागपुर की दूरी कल्पना करो 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर कवर करने का टाइम 20 घंटे कल्पना करो एवरेज, तो वो लिख देगा कि 20 घंटे में नागपुर आपको पहुंचना है, ठीक है, अगर 21 घंटे में पहुंचे तो आपने कानून का उल्लंघन किया और नागपुर वाला दंड लगाएगा। ये आप सोच रहे हैं कितनी अधिकारशाही बढ़ रहे हैं, आप ट्रक लेके निकले, 20 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया उसने नागपुर तक का, अब 21 घंटे हो गया, 22 घंटे हो गया, 23 घंटे हो गया, ट्रक कहीं खराब हो गया, पंचर हो गया, कुछ हो गया, देन यू हैव टू कन्विंस हिम, ऑल द टाइम यू हैव टू कन्विंस हिम, अब कन्विंस करो उसको, मेरा ट्रक खराब हो गया था, अच्छा उसका सर्टिफिकेट दिखाओ ट्रक खराब हुआ था, अब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कहेगा तुम झूठ बोलता है, तुमको 20 घंटे का टाइम मिला था, 21 घंटे में आया, 1 घंटे का तुमने ज्यादा समय लगाया, पेनल्टी तो कानून का उल्लंघन हो गया। अब उसमें वो क्या करेगा, सीधे सीधे से घूस मांगेगा, रिश्वत मांगेगा और कुछ नहीं करेगा, ये वो भी जानता है ऑफिसर के सब ट्रक वालों को लेके थाने में नहीं ले जा सकता, वो भी जानता, लेकिन उसको बीच का रास्ता मालूम है, तुमको मैं छोड़ता हूं 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, माने जो नई नई कमाई के रास्ते खुल जाएंगे इस वैल्यू एडेड टैक्स के आने से। और ट्रक ऑपरेटर माने ड्राइवर जो चला रहा है उसको 20 डॉक्यूमेंट्स की 80 कॉपी लगेगी कम से कम, मैंने हिसाब जोड़ा उसका, मुंबई से नागपुर अगर वो जाता है
तो 80 बूथ बनेंगे मुंबई नागपुर के बीच में, 80 बूथ बनेंगे, हर बूथ पर एक कॉपी देनी पड़ेगी और वो कॉपी में टैक्स इनवॉइस चाहिए, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का सर्टिफिकेट चाहिए, माल जो भरा हुआ है वो कहां से खरीदा है, उस पार्टी का पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर पूरा चाहिए, वो पार्टी ने कितना वैट पे किया है वो चाहिए, क्वांटिटी कितनी है वो चाहिए, सामान क्या है वो चाहिए, लैंड टैक्स क्या पे किया है वो चाहिए, किसको माल लेके जा रहे हो देने के लिए उसका चाहिए, टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक भी कम तो कानून का उल्लंघन और जेल 1 साल की, नहीं तो माल जब्त करो, नहीं तो पेनल्टी। इतनी खतरनाक व्यवस्था। अब मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं यहीं पे, यूरोप के कोई भी देश में महाराज जी, एक देश का माल दूसरे देश में जाए, जर्मनी का फ्रांस में आए, फ्रांस का स्वीडन में जाए, स्वीडन का स्विट्जरलैंड में जाए, कहीं रास्ते में कोई वैट ऑफिसर कभी ट्रक को हाथ भी नहीं दिखा सकता, रोक भी नहीं सकता, चेक करना तो दूर की बात है, कोई नहीं कर सकता। और यूरोप में कभी भी आप चले जाइए, ट्रकों की आवाजाही आप देखिए, बिल्कुल बिंदास जाते हैं, कोई रास्ते में ना कोई बैरियर है, ना चेक पोस्ट है, ना टोल बूथ है, ना वैट बूथ है, ना कोई बूथ है, बिंदास जाते हैं। फ्रांस से जर्मनी में घुस गए, जर्मनी से बेल्जियम में चले गए, बेल्जियम से और कहीं चले गए, अपना बिंदास माल बेचते हैं फिर चल फिरते हैं। यहां हर बूथ पर चेकिंग, जैसे टोल बूथ पे होता है वैसे अब वैट बूथ पे होने लगे। और मुझे डाउट है कि सरकार ये जो टोल बूथ है इनको ही वैट बूथ में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि नए बूथ बनाने के लिए खर्चा नहीं है, तो टोल बूथ वालों से कोई एडजस्टमेंट वो करेंगे, तुमको 2% देंगे, 3% देंगे या 1% देंगे, तुम हमको यहां बैठने दो। और टोल बूथ वाली सभी प्राइवेट पार्टियां हैं, वो डर के मारे वैसे ही सरकार को सरेंडर कर देगी, हाँ हाँ जी आप बैठ लो हमारे साथ। इसमें सिर्फ हैरानी परेशानी होने वाली है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अभी देखिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपके पास BST नंबर है, बॉम्बे सेल्स टैक्स का आपके पास वो जो नंबर है ना, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। ये आपकी माहिती के लिए, अगर आपके पास BST का नंबर है, पहले से आप बिजनेस करते हैं, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बात। लेकिन उसके आगे, लेकिन अगर वेट कमिश्नर को लगता है तो वो आपको नोटिस दे सकता है कि आप नया रजिस्ट्रेशन करें, वो नोटिस दे सकता है, जरूरत नहीं है, फिर नोटिस देने का अधिकार क्यों दे दिया आपने उसको। एक तरफ सरकार कह रही है कि BST का अगर नंबर है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कमिश्नर आपको कह सकता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें। नेक्स्ट, अभी इसमें रिटर्न फाइल करने का है। कुछ लोगों को साल में 4 बार रिटर्न फाइल करना है, कुछ लोगों को 2 बार करना है, और कुछ ऐसे भी धंधे हैं जिनको हर महीने करना होता है। इतना ज्यादा तकलीफ कर दिया रिटर्न का, ये नहीं कि साल में 1 बार करना, साल में 3 बार करना है, कुछ लोगों को साल में 2 बार करना है, कुछ लोगों को साल में हर महीने करना। नेक्स्ट, अभी देखिए कमिश्नर आपका कोई भी, आपका आपने रिटर्न फाइल किया है, कमिश्नर को पूरा अधिकार है उसको गलत सिद्ध करने का, आप कितना भी सही फाइल करिए, वो रीचेक करेगा, रीक्रॉस करेगा, री एग्जामिन करेगा, नया किसी को जिम्मेदारी दे सकता है चेक करो इसको, कोई कमेटी बिठा सकता है, उसको सारे अधिकार हैं। तो फिर ये सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है, ये इतना बड़ा फ्रॉड क्यों कर रही है सरकार हमारे से? एक तरफ कहती है कि सेल्फ असेसमेंट वाला है, दूसरी तरफ कहती है कमिश्नर हैज एवरी राइट, कोई भी अधिकार उसको है क्रॉस चेक करने का, रीचेक करने का और ये सब करने का। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें कमिश्नर क्या क्या कर सकता है, ये मैंने इसमें बताया, ये मैं हालांकि आपको पहले बता चुका हूं। कमिश्नर को महाराष्ट्र सरकार के कानून के तहत 56 अधिकार है, कर्नाटक कानून के तहत 108 अधिकार है, मध्य प्रदेश कानून में 150 अधिकार है, जहां जहां वैट के कानून बने हैं ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिकार है। महाराष्ट्र में 56 राइट्स हैं कमिश्नर को,
उसमें से फर्स्ट राइट है आपको एक साल की जेल भेजना, दूसरा राइट है आपकी चल अचल संपत्ति को जब्त कर लेना। चल अचल संपत्ति में क्या है? चल संपत्ति में गाड़ी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार है, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक में लॉकर में रखे हुए गहने हैं, वो सब जब्त करने का अधिकार कमिश्नर को है। अचल संपत्ति में घर है, बंगला है, खेत है, खलियान है, वो सभी जब्त करने का अधिकार कमिश्नर को है। और न सिर्फ जब्त करने का अधिकार है बल्कि उसकी नीलामी कर देने का अधिकार भी उसको है। इतने राइट्स हैं और ऐसे ऐसे 56 अधिकार हैं। मैंने आपको कहा ना, लॉरी को रोक लेने का, लॉरी के सामान को जब्त कर लेने का, ट्रक ड्राइवर को जेल भेज देने का, ट्रक ऑपरेटर को जेल भेज देने का, ऐसे 56 अधिकार कमिश्नर को है महाराष्ट्र में। और अन्य अलग अलग राज्य में अलग अलग है। मैंने आपसे कहा ना, कर्नाटक में 108 अधिकार, उनमें यहां से भी ज्यादा। और सभी राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, एक रूपता कहीं भी नहीं। कोई राज्य में कोई वस्तु पे 4% वैट है, दूसरे राज्य में उसी वस्तु पे 12.5% वैट है। कोई राज्य में कोई वस्तु पर 12.5% है, दूसरे राज्य में उस पर 4% है। इतनी ज्यादा अलग अलग भिन्नताओं के आधार पर ये कानून बनाया है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आएगी इंटर स्टेट ट्रेड करने वालों। आपका वस्तु आप मंगाते हैं दिल्ली से, सपोज 12.5% वैट है, वही वस्तु यहां बेच रहे हैं उस पर 4% वैट है, या यहां से वस्तु आप भेज रहे हैं दिल्ली जिसमें 4% वैट है, दिल्ली में 12.5% वैट है, बहुत तकलीफ आने वाली है। सरकार ने कहा यह था कि होमोजीनियस करेंगे, लेकिन होमोजीनियस हुआ नहीं। सब राज्य अलग अलग तरीके से अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजा। इसमें बहुत तकलीफ आएगी इंटर स्टेट ट्रेड करने वाले। नेक्स्ट। हाँ, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको कि अगर मान लीजिए आप टैक्स ज्यादा पे कर दिया, गलती से आपसे गलती हुई, आपने टैक्स ज्यादा भर दिया, होता है 10,000 रुपए आपने 20,000 भर दिया, तो आप शिकायत करेंगे हमने ज्यादा टैक्स दे दिया है। कमिश्नर उसको चेक करेगा, बात सही पाई गई तो 10,000 रुपए आपको वापस होना चाहिए। कमिश्नर वापस नहीं करेगा, वो अगले साल एडजस्ट करेगा, माने अगले साल जब आप टैक्स भरे तो उसमें 10,000 कम भरना, वापस नहीं देगा। एक अब इसका उल्टा है, अगर आपने टैक्स कम भरा, 20,000 रुपए टैक्स निकलता है और आपने 10,000 भरा, तो 10,000 कम भरा, अगर कम भरा है तो कमिश्नर उस पर आपसे ब्याज लेगा और पेनल्टी अलग से लेगा। और ब्याज कितनी है महाराज जी? 2% पर मंथ, 2% प्रति माह। जो सूद खोर लेते हैं वो ब्याज की दर है, 2% साल का नहीं, महीने का, 100 रुपए पे 2 रुपया हर महीने। आपने ज्यादा दे दिया, सरकार वापस करने को तैयार नहीं है, एडजस्ट करेंगे, आपसे कम आया है तो पेनल्टी भी लेंगे और ब्याज सहित वसूलेंगे। और किसी केस में मान लीजिए आप कमिश्नर के खिलाफ ट्रिब्यूनल में गए, कोई मामला ऐसा बना जिसमें आपने आर पार की लड़ाई लड़ने का तय किया, कमिश्नर के खिलाफ आपने केस किया, चांस की बात आप ट्रिब्यूनल में जीत गए, कल आप जीत गए कमिश्नर हार गया, तो जो जीता हुआ जजमेंट है वो सेट असाइड करने का राइट कमिश्नर को है, जीते हुए मामले को नहीं लागू करने का अधिकार उस कमिश्नर को। फिर आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में प्रोविजन बना दिया है इसमें वो ये कि आप हाई कोर्ट में अगर जाना चाहते हैं केस को लेकर, तो हाई कोर्ट सबसे पहले ये कहेगा कि आपका जितना टैक्स है पहले भर दो, फिर आपका मुकदमा स्वीकार किया जाएगा सुनवाई के लिए। केस ही एडमिट नहीं होगा जब तक आप पूरा टैक्स नहीं भर देते। आपने मान लीजिए भर दिया टैक्स, 3 साल मुकदमा चला, 3 साल में आप जीत गए और सरकार हार गई, कमिश्नर हार गया, तो जीता हुआ आपका पैसा मैंने रिफंड मिलना चाहिए, वो भी एडजस्ट। और अगर आप ज्यादा कुछ करेंगे तो सरकार आपको वापस करेगी, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के साथ, वो इंटरेस्ट है 5% पर एनम और आपसे लेगी 2% प्रति महीना, खींचेगी।
ऐसी हो रही इस कानून। सबसे ज्यादा दुख की बात है अपने ही राजा हमारे साथ इस तरह की हरामखोरी कर रहे हैं। बाहर वाला कोई आके ये करे तो एक बार को दिल गवाही देता, चलो बाहर वाला है, लूट करने के लिए आया है, यही धंधा है उसका। हमारे द्वारा चुना हुआ सरकार ही हमारे साथ ये हरामखोरी कर रहा है। और ये हरामखोरी हो गई उसका एक ही कारण है, जो महाराज जी ने कहा ना, सब सो रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट सो रही है। लोगों की तो बात छोड़ दो, पार्लियामेंट सो रही है, असेंबली सो रही है। जिस असेंबली में बहस होनी चाहिए थी कोई बहस नहीं हुई, संसद में बहस होनी चाहिए कोई बहस नहीं हुई, इसलिए ये हो गया, इतना खराब कानून लागू हो गया। नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज और बता, अगर आप धंधा करते हैं, रिटेल बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो आपको जो कैश मेमो देंगे अब तो वो कंपलसरी है। 10 पैसे का भी माल बेचेंगे तो आपको कैश मेमो फाड़ना है, रसीद देनी है, डॉक्यूमेंट देना है, उस पर क्या क्या चीजें लिखनी है वो जरा देखिए। सरकार कह रही है ना बहुत सरल हो जाएगा, अभी कैश मेमो पे महाराज जी 20 माहिती देनी पड़ेगी, एक कैश मेमो 20 माहिती भरनी है आपको। क्या भरना है? टैक्स इनवॉइस, वर्ड्स एंड नंबर, जो टैक्स इनवॉइस मिलेगा ना उस पे जो शब्द लिखे हुए हैं पूरे के पूरे, और जो नंबर है आपका वो। दूसरा, डेट ऑफ इनवॉइस। तीसरा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। चौथा, जो परचेजर है उसका नाम एड्रेस के साथ। मैं आपसे 50 पैसे की एक पेंसिल खरीदने आया, अभी मेरा नाम भरो पूरा उसे, मेरा नाम राजीव दीक्षित, मेरा पता सेवाग्राम आश्रम वर्धा, फोन नंबर 28441, सेल नंबर ये, ईमेल तो ये, अभी इतना, मुझे 50 पैसे का पेन लेना है आपसे, भरो ये सब। अभी आप धंधा करोगे कि वो भरते बैठोगे कैश में? और 20 माहिती ऐसे, ये सब भरनी है। अब महाराज जी जरा कल्पना करो, शाम को 5 बजे का समय है जिस समय सबसे ज्यादा ग्राहकी होती है, कल्पना करो, और 10 ग्राहक आ गए एक साथ कुछ, अब सबका भरते बैठो आप। मैंने इसको भर के देखा, एक ग्राहक का भरने में कम से कम 2.5 से 3 मिनट जाता। 5 ग्राहक खड़े हैं तो 2.5-3 का 30 मिनट तो गया। उतने में एक ग्राहक कहेगा, अरे यार ये धंधा कर रहा है कि अपना भरते, वो दूसरी दुकान में गया। लेकिन दूसरी दुकान में भी उसको यही समस्या है, तीसरी दुकान में, आप तो ग्राहक गया आपके यहां से, क्योंकि ग्राहक जब आता है वो घाई घाई में होता है, लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, मुझे ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, ये कर। अब आप भरते, तुम्हारा नाम क्या है? कहेगा, क्या मतलब तुमको मेरे नाम से? तुम्हारा पता क्या है? क्या मतलब तुमको मेरे पते से? तुम्हारा फोन नंबर क्या है? सेल नंबर क्या है? वो बेचारा कहेगा, ये जरूर खुफिया विभाग का आदमी है, मेरे बारे में माहिती देना चाहता, वो भाग जाएगा। क्या जरूरत है ये सब तमाशा करने? दुनिया के किसी देश में ये सब नहीं, यहां पर इतना जबरदस्ती है। और ये करने का एक ही कारण है महाराज जी, व्यापारियों पर सरकार को बिल्कुल भरोसा नहीं, उद्योगपतियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, ये सरकार कितनी हरामखोर है। मैंने एक वित्त मंत्री को यह कहा था, वो बोला नहीं इस पर। मैंने कहा, देखो जितने व्यापारी और उद्योगपति हैं सबके सब फोकट में तुमको टैक्स इकट्ठा करके दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे, फोकट में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देने वाला तो मैं हूं, ग्राहक, कलेक्ट करने वाले आप हैं, और सरकार के खजाने में भरने वाले आप हैं। माने भारत की सरकार को, भारत के खजाने को बिना एक पैसा लिए हुए सेवा देने वाला वर्ग है व्यापारी वर्ग। हर साल 7.5 लाख कोटी रुपए जो टैक्स भरता है सरकार के खजाने में, ये तो व्यापारी लोग देते हैं, एक पैसा भी सरकार से पगार नहीं लेते। उस व्यापारी के ऊपर इतना अत्याचार, जो फोकट में आपको सर्विस दे रहा है, वरना सरकार की औकात नहीं है टैक्स कलेक्ट कर सके। अगर व्यापारी सरकार से असहयोग करना शुरू कर दे महाराज जी, सरकार 1 मिनट में गिर जाएगी, इसमें दम नहीं है टैक्स इकट्ठा करने की। पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट लग जाए तो वैट कलेक्ट नहीं कर सकता इस देश में से।
ये तो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है, जो बिना एक पैसा लिए चुपचाप अपनी सेवा दे रहा है। सरकार को उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, बजाय इसके सरकार उसको चोर, बेईमान, डकैत कहती है। इस बात का मुझे बहुत दर्द होता है। बिना एक पैसा लिए हुए 7.5 लाख करोड़ रुपए हर साल सरकार के खजाने में जमा होता है, और सरकारी विभाग का प्रधानमंत्री एक बार ये बोला है कि मेरे पास जो टैक्स का पैसा आता है उसमें 85% लीकेज होता है। लीकेज कहां होता है? पैसा जमा होने के बाद, माने टैक्स कलेक्टर ऑफिस से लेकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में 85% लीकेज होता है। माने व्यापारी और ग्राहक ईमानदारी से पूरा पैसा सरकार को दे देता है, लीकेज जो है सरकार के सिस्टम में है। ये बात राजीव गांधी ने कही थी, किसी और ने नहीं कही थी। और उसने कहा कि लीकेज इतना जबरदस्त है कि मैं 1 रुपया वापस अगर देता हूं खर्चा करने के तो 15 पैसा ही खर्च होता है। इतना बड़ा लीकेज जिस सिस्टम में हो, और वो सरकार अपने को हरामखोर ना माने, सामने वाले को हरामखोर कहे, जो बिना एक पैसा लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए खजाने में उसको जमा कर रहा है। तब मैं व्यापारियों से कहता हूं कि अभी कितना बर्दाश्त करोगे यार? एक सीमा होती है ना, सहन करने की एक सीमा होती है। अब तक आप 58 साल से गालियां खाते आए टैक्स ऑफिसर की, चोर, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, जो भी कुछ उनको कहना था वो सब उन्होंने कहा। आपके ऊपर 58 साल में कितने झूठे झूठे केस बनाए हैं। मैं तो हिंदुस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस पढ़ता रहता हूँ। 100 केस अगर महाराज जी करता है डिपार्टमेंट, तो 98 में डिपार्टमेंट हारता, 2 में ही जीतता है डिपार्टमेंट। इसका माने फैब्रिकेटेड होते हैं सब, झूठ मूठ के बनाए हुए केस होते हैं, नहीं तो जीतता क्यों नहीं है डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स का तो सक्सेस रेट जो है ना 2% है, 2%, 3%। मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, मैं उसको पूछता हूं तुम साल में जितने केस करते हो जीतते कितने हो? 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा। फिर क्यों करते हो? तो कहता ऊपर से आदेश है करने के लिए, माने हैरान परेशान करना है। और हैरान परेशानी कैसी, न्यूसेंस कैसा, रात के 2 बजे आपके घर में घुस जाना, सोते हुए लोगों को उठा देना, कहना सब बाहर जाओ, आपका कैश बॉक्स चेक करना, ज्वेलरी बॉक्स चेक करना, आपके गद्दे के नीचे कुछ रखा हुआ है गद्दे को फेंक देना, तकिए के अंदर छुपा हुआ है उसको फेंक देना, आपके रसोई में घुस जाना, रसोई में जो आपका आटा रखा हुआ है गेहूं का उसको उलट देना, दाल के डिब्बे को उलट देना। इस तरह का न्यूसेंस इस देश में करते हैं ये सब टैक्स ऑफिसर, और आप सब खामोश होकर बर्दाश्त करते रहते हैं। ये इसलिए हो पा रहा है कि आप खामोश होकर बैठे हैं, तो उसको और हिम्मत बढ़ रही है, और हिम्मत बढ़ रही है। जिस दिन हिंदुस्तान के व्यापारी और उद्योगपति ने टैक्स ऑफिसर को बंद करके पीटना शुरू कर दिया, उस दिन ये न्यूसेंस खत्म हो जाए। और ये न्यूसेंस ने खत्म किया है। आप कभी उत्तर प्रदेश में आएंगे, जहां बैट के खिलाफ सबसे ताकतवर अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी माहिती आपको है, लेकिन एक माहिती मैं आपको दे दूं कि व्यापारियों में सबसे ज्यादा एकता अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। हमने बैट के खिलाफ अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश में। पहली सभा वाराणसी में हुई, उसकी वीडियो सीडी बनी, ऑडियो सीडी बनी। 1 हफ्ते के अंदर 40,000 CD डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे उत्तर प्रदेश विद इन 1 वीक। सबको माहिती हो गई कि बैट में इतनी खराबियां हैं। उसके बाद सरकार के जितने अधिकारी गए, जितने नेता गए, सभी को मार पड़ी। जिसने भी बैठ के समर्थन में भाषण किया उत्तर प्रदेश में, सबको मार पड़ी, इंक्लूडिंग सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, जो प्राइम मिनिस्टर के खास आदमी हैं। ये जब बैठ के समर्थन में सभा करते तो जूते इनको मारे लोगों ने, मुंह काला कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, भाग गए वहां से। और अब हिम्मत नहीं है सरकार के किसी अधिकारी की, तो छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में आके बैठ के समर्थन में व्याख्यान करने की। उत्तर प्रदेश में बहुत खराबियां हैं, लेकिन उसमें एक अच्छा है कि व्यापारियों में एकता जबरदस्त है। और जब व्यापारी वहां एक होते हैं तो बीजेपी कांग्रेस भूल जाते हैं। तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, तू सीपीएम का, मैं सीपीआई का, कुछ नहीं, अभी हम व्यापारी हैं। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जनता दल, ना सीपीएम, ना सीपीआई, अभी व्यापारी है, अभी उद्योगपति है, पहले हम हमारा काम करें। उनकी एकता ने ऐसा चमत्कार दिखाया है
कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव पिछले साल से चिल्ला रहा था मैं बैठ लाऊंगा बैठ लाऊंगा बैठ लाऊंगा, अब कहता मैं बैठ नहीं लाऊंगा, कान पकड़ता बैठ नहीं लाऊंगा, और ये कहता है कि जब तक व्यापारी हां नहीं करेंगे तब तक बैठ नहीं लाऊंगा। तो आप अगर खड़े हो जाएं तो क्या हो सकता है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा था, उत्तर प्रदेश में यह हो सकता है तो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। और महाराज जी उत्तर प्रदेश के व्यापारी संघ ने क्या किया, उन्होंने एक पूरा महामंडल बना दिया, सब संघ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने स्टिकर बनाए, स्टिकर दुकानों में लगा दिए और हर स्टिकर में लिखा है सावधान, कोई भी वैट ऑफिसर दुकान के अंदर प्रवेश ना करे, नहीं तो नीचे लिखा है 440 वोल्ट का करंट लग सकता है, साफ लिखा है उस स्टिकर। फिर दूसरा स्टिकर क्या है, अगर किसी टैक्स ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है तो व्यापारी महामंडल के अधिकारी को लेकर आए तो दुकान में घुस सकता है, अदरवाइज छूना नहीं, दुकान के दरवाजे पे चढ़ना नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक दो बार क्या हुआ, ये अधिकारी तो थोड़े से वो होते हैं ना, हाँ पुलिस को लेके गए, बहराइच में हुआ, बहराइच तो बहुत छोटा सा गांव है, वहां तो कुछ बैठ अधिकारी माने टैक्स ऑफिसर माने सेल्स टैक्स ऑफिसर पुलिस के साथ घुस गए, व्यापारियों ने क्या किया, दरवाजा बंद किया और जो मारा उनको पूरी तरह से हाथ पैर तोड़ दिए और FIR भी सबसे ज्यादा के पहले दर्ज करा दिया कि ये बिना अधिकार के हमारे दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे, सारे अधिकारी जेल गए, सब सस्पेंड हुए। उस दिन से अभी अधिकारी ऐसे ऐसे कांपते हैं, वहां अधिकारी अगर सर्च करने भी आया है तो जब तक व्यापारी महामंडल का कोई अधिकारी उसके साथ नहीं है और उसके पास लिखित उसका आदेश पत्र नहीं है, घुसने नहीं देता कोई, मारते हैं बुरी तरह से, मारते वो केस वेस जो होता होगा पहले पीटते हैं, और पीटने के लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है, ऐसे हथियार रखे हुए जिनसे अंदर चोट आती है बाहर नहीं दिखती, ऐसे अध्ययन जैसे हॉकी स्टिक से आप जब पीटोगे तो बाहर कुछ नहीं दिखेगा अंदर आपका पांव टूट जाएगा, हॉकी से पीटेंगे, और वो मोटा डंडा होता है ना जिसको घुमाते हैं ताकत लाने के लिए वर्ष, वो डंडे से मारते हैं, वो हॉकी से पीटते, चाकू छुरी नहीं चलाते उसमें तो बाहर से दिखता, और खूब पीटते हैं फिर जाके FIR करते हैं कि ये बिना अधिकार घुसा था चोरी करने के इरादे से, अभी अधिकारी सब कांपते, और जब से ये हुआ अधिकारियों ने कहा हम वैट नहीं लगा सकते, मुख्यमंत्री को कह दिया हम नहीं कर सकते हम सरेंडर करते हैं, मुख्यमंत्री ने फिर सरेंडर कर दिया, उत्तर प्रदेश में वैट नहीं, और उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री ने धमकी दिया कि तुम वैट नहीं लगाओगे तो हम तुम्हारा केंद्र का मदद बंद कर देंगे, तो उसने कहा वो मंजूर है मैं वैट नहीं लगा सकता, केंद्र की मदद ना आए मंजूर है, मुझे राज्य चलाना है शासन चलाना है मैं वैट नहीं लगा सकता। फिर उत्तर प्रदेश को देख के पांच राज्यों में हिम्मत आया, राजस्थान गुजरात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश झारखंड, इन्होंने भी मना किया, तीन और राज्यों में हिम्मत आया, ऐसे अभी आठ राज्यों में नहीं है क्योंकि उनमें थोड़ी जागृति आई है, आप भी अगर थोड़े जागरूक हो जाए तो ये जो लगा हुआ वैट है वापस हो सकता है। आप कहेंगे जी क्या वापस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखिए कोई भी कानून अगर संसद बनाती है या विधानसभा बनाती है तो वही संसद और विधानसभा उसको वापस भी लेती है, महत्व तो यह है कि आप में संगठन शक्ति कितनी है, और आपको इस कानून का विरोध करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैंने आपसे कहा कि आपको टैक्स भरना है ये समस्या नहीं है, समस्या दूसरी है, आपकी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम दोनों टैक्सेबल हो गई है और सरकार की नजर में है, माने आप थोड़ा पैसा भी आप बचा नहीं पाएंगे, माने धर्म के काम में अब आपका पैसा कम से कम जाएगा, और धर्म के काम में पैसा कम जाएगा तो मंदिर और मंदिरों से जुड़ी हुई संस्थाएं ये सब सूख जाएंगी, और ये संस्थाएं सूखेंगी तो सच में सबसे बड़ा आघात धर्म पर ही होगा। चाणक्य ने महाराज जी एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थम अर्थस्य मूलम कामम, धर्म के मूल में अर्थ है, अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो धर्म पालन नहीं होता, भूखे लोग मंदिर नहीं बनाते और भूखे लोग भजन भी नहीं करते,
पेट भरा हुआ होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, तब मंदिर बनते हैं, तब मठ बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं, धार्मिक काम होते हैं। तो अर्थ जितना मजबूत होगा धर्म उतना फैलेगा, अर्थ जितना कमजोर होगा धर्म उतना कमजोर होगा। भारत जब जब आर्थिक रूप से मजबूत था तो भारत की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में फैलती थी। भारत सोने की चिड़िया जब था तो भारत का धर्म दुनिया के 50 देशों में गया, बौद्ध धर्म गया, जैन धर्म गया, सनातन धर्म गया। और जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा तो भारत का धर्म भारत में सिमट गया और विदेशी धर्म भारत में घुस गया। ये इस्लाम भारत में आया वही समय जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। ईसाइयत उस समय आई भारत में जब भारत और ज्यादा कमजोर हुआ। आपका धर्म तो सिमट गया, विदेशी धर्म आप पर हावी हो गया और धीरे 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 हावी होता चला जा रहा है। और वो जो हावी होता चला जा रहा है अब आगे और हावी होने वाला है। एक स्लाइड में आपको और दिखाता हूं, मैं जो आपसे कहा ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर बेट फ्री, वो प्रोविजन में आपको दिखाना चाहता हूं। ये नेक्स्ट 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 वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 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 हाँ एक मिनट एक मिनट, ये पीछे वाला प्रीवियस, ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है। वेट मीन्स वैल्यू एडेड टेंशन, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं, वैल्यू एडेड टेंशन। जो भी वेट भरेगा, अभी समझ डायबिटीज का पेशेंट होना उसको 100%, हार्ट अटैक आना 100%, क्योंकि टेंशन जितना ज्यादा बढ़ेगा डायबिटीज और हार्ट अटैक और स्ट्रेस उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसमें एक स्लाइड छूट गया है, इसके आगे करो, इसके आगे एग्जम्पशन वाला एक स्लाइड, एग्जम्पशन फ्रॉम वेट पीछे एग्जम्पशन जहां आया उसी स्लाइड में, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में क्या है, शुरू में तो दिया है सेल बाय ए यूनिट इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने हर राज्य में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, अगर उसमें आपकी यूनिट है और वो कुछ भी बिक्री करती है तो वो वैट फ्री भाई। हाँ 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अगर आपकी है 100% तो वो वैट फ्री है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आपकी यूनिट है तो वैट फ्री है। सेल बाय ए एलिजिबल यूनिट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्प्शन फ्रॉम टैक्स, वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आई। देखिए नेक्स्ट लास्ट स्पेसिफाइड डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज क्या होती है, पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, अमेरिका का एम्बेसी, ये सब डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज है। ये सभी कुछ भी करेंगे तो वैट फ्री है, वो ठीक है क्योंकि हम भी उनके देश में कुछ करें तो वैट फ्री है। लेकिन जो खतरनाक है वो ये एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई देश में वैट फ्री नहीं हमारे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये दो शब्दों को डाल देने से बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सभी चर्च भारत में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, माने चर्च की सारी एक्टिविटीज वैट फ्री होगी। वैट फ्री होगी माने चर्च के किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई वैट कमिश्नर कुछ नहीं कर सकेगा। चर्च कुछ भी करे, 18,000 करोड़ मंगाया और भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए बांट दिया, कमिश्नर को मालूम है, आपको भी मालूम है, आप शिकायत करें मैं शिकायत करूं कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वैट फ्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इनकम है वो भी नेट इनकम का जो टैक्स है वो भी फ्री है। जैसे मैं आपको बताऊं ना अमेरिकन एम्बेसी भारत में, भारत की सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग। कारण क्या है, लाखों वीजा एप्लीकेशन हर साल वहां आते हैं और 90% उसमें रिजेक्ट होते हैं
रिजेक्शन के बाद वो फीस वापस नहीं करते। आपने जो वीजा एप्लीकेशन फीस भरा है वो कभी वापस नहीं करते। मैंने पिछले साल महाराज ये हिसाब जोड़ा था, जितने एप्लीकेशन भारतवासियों ने अमेरिका में वीजा के लिए दिए उन पर जितना फीस उन्होंने दिया 2,000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर, और 2,000 करोड़ रुपए टोटल टैक्स फ्री इनकम है अमेरिकन एम्बेसी के। अमेरिका की कोई कंपनी से भी ज्यादा नेट इनकम अमेरिकन एम्बेसी करती है इस देश पर, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पागलपन है अमेरिका जाने के लिए। और अमेरिकन एम्बेसी हर साल दो साल में फीस बढ़ाती जाती है, और जो भी फीस लेते हैं डॉलर्स में लेते हैं, रुपए में स्वीकार नहीं करते। तो आपकी बेशकीमती विदेशी मुद्रा एप्लीकेशन फीस करने में ही 1,000 करोड़ रुपए नाश होती है हर साल। तो वो पूरी एक्टिविटी इनकम टैक्स फ्री है। अब उसी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एक्टिविटी वैट फ्री है, माने उनकी ग्रॉस इनकम भी टैक्स फ्री है, नेट इनकम भी टैक्स फ्री। तो इसका मतलब क्या है, उनकी सारी इनकम टैक्स फ्री है तो वो अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा उस इनकम का भारत देश में धर्मांतरण में इस्तेमाल करें, मतांतरण में इस्तेमाल करें। आप कुछ नहीं कर सकते उनका, वो करेंगे और आप हाथ पे हाथ धर के बैठते रहेंगे। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है इस बैठ। और आप जानते हैं अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, शंकराचार्य के मठ पर सरकार कब्जा करने जा रही है। कान कोटी कांचीपुरम शंकराचार्य जी के मठ पर सरकार कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई। मैं शंकराचार्य जी के मठ में पिछले 6 साल से जाता हूं और उनकी सभी गतिविधियों में बहुत नजदीक से शामिल हूं। शंकराचार्य जी का जो मठ है कामकोटी कांचीपुरम, इस मठ को हर साल 5,000 करोड़ रुपए डोनेशन आता, 5,000 करोड़ रुपए डोनेशन आता। शंकराचार्य जी को एक बार मैंने पूछा ये डोनेशन का मैक्सिमम इस्तेमाल कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूं उन गांव में जहां पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य जी दक्षिण भारत के गांव में जो ईसाई बने हुए हिंदू हैं उनको वापस हिंदू बना रहे हैं, उसमें उनका सारा पैसा खर्च होता है, 5,000 करोड़ हर साल वो खर्च करते हैं। मैंने एक दिन कहा शंकराचार्य जी को, ये तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए 18,000 करोड़ खर्च हो रहा है, मैं तो उसका एक तिहाई भी नहीं कर रहा। तो वो करते क्या है, गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निशुल्क स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों में भर्ती होने पर फिर हिंदू बनाते हैं, उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं, किताब कॉपी पेंसिल खाना कपड़े सब देते हैं, फीस भी वो ही भरते हैं, रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शंकराचार्य जी का मठ करता है। और ऐसे 170 से ज्यादा स्कूल उनके चलते हैं तमिलनाडु केरल कर्नाटक आंध्र में, और धीरे धीरे बढ़ा रहे। इसके बाद हॉस्पिटल चलते हैं, उन हॉस्पिटल में निशुल्क चिकित्सा की जाती है ऐसे लोगों की जो गरीब हिंदू थे आदिवासी हो गए हैं वापस हिंदू बनने को तैयार है, उनकी वो निशुल्क चिकित्सा कराते हैं। इस सब में खर्चा होता है, सरकार चाहती है वो सब बंद हो क्योंकि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है उनको ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि शंकराचार्य उनके सामने खड़े हैं, अब आर पार की लड़ाई हो रही है। तो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन का असर जैसे ही बढ़ा, मैंने सोनिया गांधी जिस दिन इस देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी उसी दिन से यह षड्यंत्र शुरू हुआ। इसके लिए तरह तरह से कोशिशें चल रही हैं। एक तो सीधे उनके ऊपर चार्ज लगाओ उनको जेल में डालो, चार्ज प्रूफ नहीं हुआ फिर भी जेल में डालो, और जिनके ऊपर चार्ज प्रूफ हो गए हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के बिठा लो। शिबू सोरेन 78 मर्डर किए हैं, शिबू सोरेन जिंदा जला दिया, 78 मुसलमानों को शिबू सोरेन ने जिंदा जला दिया झारखंड में, सबूत है, अपराध सिद्ध हुआ है, चार्ज प्रूफ हुए,
लेकिन आजकल वो छूटा हुआ है क्योंकि सरकार में मंत्री बन के बैठा, और अगर सरकार उसको अरेस्ट करे तो केंद्र की सरकार गिरी, तो शिबू सोरेन को मंत्री बनाओ, उसको सुरक्षा दो, और शंकराचार्य जिनका अपराध अभी सही हुआ उनको जेल में भेजो, और पूरे देश में बदनामी करो, टीवी चैनलों को पैसा दे दे के खबर छपवाओ, और टीवी चैनल जो अमेरिका से संचालित हैं, जैसे स्टार न्यूज पूरी तरह से अमेरिकन टीवी चैनल, 3 महीने उसने शंकराचार्य के खिलाफ विष वमन किया, सत्य उसके विपरीत है। शंकराचार्य के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि तमिलनाडु में कोई निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सारे मामले कर्नाटक में ट्रांसफर किए जाएं। उसी दिन जयललिता परेशान हो गई क्योंकि उसे मालूम है दूसरी किसी अदालत में सिद्ध नहीं होगा। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी का बेल एप्लीकेशन गया, उसी दिन स्वीकार हो गया, और हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया क्योंकि हाई कोर्ट जयललिता के कंट्रोल में है, जयललिता सोनिया गांधी के कंट्रोल में है, सोनिया गांधी चर्च के कंट्रोल में। और आप याद रखिए इस बात को, कभी भूलिए मत, अभी थोड़े दिन पहले पोप मर गया, पोप जॉन पॉल। हमारे देश में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश हो गया, पोप मर गया, ठीक है मर गया तो क्या करें उसका, हमसे क्या लेना देना उसका, वेटिकन सिटी 3 दिन का करे या 30 दिन का, हमें उससे क्या लेना देना, अमेरिका करे यूरोप करे क्या, हिंदुस्तान में 3 दिन का राष्ट्रीय अवकाश, पोप मर गया, जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा धर्मगुरु मर गया। सुनील दत्त मरा तो 1 दिन का राष्ट्रीय अवकाश, पोप मर गया तो 3 दिन का राष्ट्रीय, और भारत का कोई भी बड़ा धर्मगुरु मरे तो किसी भी दिन का अवकाश नहीं। और उससे भी ज्यादा खराब बात है, पोप जो मर गया ना, हमारे देश में देखिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दिया, आपको मालूम आधार क्या है, आधार ये है कि मदर टेरेसा ने एक बार किसी महिला के शरीर पर हाथ रखा और उस महिला का गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया, मदर टेरेसा में चमत्कारिक शक्ति है इसलिए वो संत होने के लायक है, ठीक है। अभी ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है कि उन्होंने किसी के कंधे पे हाथ रखा और उसका गर्भाशय का कैंसर ठीक हो गया इसलिए मदर टेरेसा संत होने के लायक है, ये 100% सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, लेकिन भारत सरकार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया, ठीक है। अब भारत के कोई साधु संत अगर इस तरह का काम करें तो वो जेल के अंदर, क्योंकि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं आपके देश में, कोई क्रिश्चियन करे तो साइंटिफिक है, हिंदू करे वही काम को तो अनसाइंटिफिक हो गया। और महाराष्ट्र में एक संस्था बनाई गई है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो यही धंधे में लगी रहती है, क्रिश्चियन लोग कुछ भी करें उसको दिखाई नहीं देता, मुसलमान कुछ भी करे दिखाई नहीं देता, हिंदू कुछ भी करे उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उसमें काम करते हैं, मेरा उनका यही झगड़ा रहता है कि तुमको अंधश्रद्धा हिंदुओं में दिखाई देती है, ईसाइयों में नहीं दिखाई देती, मदर टेरेसा से ज्यादा अंधविश्वासी कौन होगा जो किसी के हाथ रख दे कंधे पर और कैंसर ठीक कर दे। अगर ऐसा होने लगे तो मदर टेरेसा ने पोप जॉन पॉल पे हाथ क्यों नहीं रखा, उनको तो पार्किंसन डिसीज था 20 साल से, पोप जॉन पॉल को तो पार्किंसन था ना 20 साल से, मदर टेरेसा ने क्यों नहीं हाथ रख दिया, पोप जॉन पॉल क्यों नहीं ठीक हो गए। अभी थोड़े दिन पहले एक बेनी हिन नाम का हिंदुस्तान में ईसाई पादरी आया, बेनी हिन, उसका बेंगलोर में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, तो उस फंक्शन में वो तमाशा क्या करता, आपको ईसाई बनने का है वो संत परिवार उसमें जाइए सभा में जाइए, वो भाषण करेगा, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे इसका भाषण सुन के मेरा कान ठीक हो गया, इसका भाषण सुन के मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई, इसने भाषण किया तो मेरे शरीर के सारे खून में कोलेस्ट्रॉल कंटेंट खत्म हो गया, इसका भाषण सुन के तो मुझे हार्ट अटैक आना बंद, ये बेनी हिन तमाशा करता है।
फिर 20 लोग ये सुना देते हैं, सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो आप भी ऐसा करो तो आप सब ईसाई हो जाओ, हाँ हाँ हम हो जाएंगे, गले में चर्च डाल देते हैं क्रॉस, ऐसे ये सब तमाशा होता है। बेंगलोर में उसका कार्यक्रम हुआ, ठीक है, हमारे भारत के बहुत सारे संगठनों ने सरकार को पूछा कि ये अगर बहनहीन कर रहा है तो ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये धर्मनिरपेक्षता है, अगर कोई ईसाई ये सब करता है तो धर्मनिरपेक्ष है, कोई हिंदू संगठन करे तो सांप्रदायिक है, ये तुम्हारी डेफिनेशन क्या है? तो कहा गया कि बहनहीन भारत का मेहमान है। तो हमने कहा कि देखो बहनहीन ने ये सब तमाशा किया, उसमें पैसे इकट्ठे किए उसने, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100, मैंने कहा इनकम टैक्स वालों को कहो कि ये सभी इनकम पे टैक्स लगे, उन्होंने कहा ये तो टैक्स फ्री इनकम है, क्योंकि चर्च की सारी इनकम टैक्स फ्री, चर्च के नाम पे कलेक्शन किया। अभी अगले साल फिर बहनहीन आएगा, कुछ भी करेगा, अपने नाम से हिंदुस्तान में कोई धंधा भी करेगा तो वैट नहीं देना है और इनकम टैक्स भी नहीं देना है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के कानून इस देश में बन रहे हैं और हम खामोशी के साथ अगर इनको सहन कर रहे हैं तो ये हमारी कमजोरी है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज अगर होकर इसका विरोध नहीं करेंगे तो कल कुछ बचेगा नहीं इस देश में जिसको आप बचाना चाहें। अगर धर्म गया, संस्कृति जाएगी, सभ्यता जाएगी, और ये वैल्यू एडेड टैक्स का आक्रमण धर्म के ऊपर है, अर्थ के ऊपर नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अर्थ में क्या होगा, व्यापारी को टैक्स है ना, वो ग्राहक से लेके सरकार को दे देगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा बहुत रिश्वत ज्यादा देनी पड़ेगी वो भी करेगा, हैरान परेशान तो वो रोज होता है, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। परेशानी सबसे बड़ी है कि ग्रॉस इनकम भी टैक्सेबल हो गई और नेट इनकम भी टैक्सेबल हो गई, सबसे बड़ा खतरनाक बिंदु ये है। इसका माने टोटल इनकम सरकार की नजर में है, अब आप कुछ छोड़ नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते, माने डोनेशन के लिए अब आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, माने डोनेशन अब लगातार कम होंगे तो धर्म का काम कम होता जाएगा, मंदिर बनने कम होंगे, मठ बनने कम होंगे, धार्मिक गतिविधि कम हो जाएगी, महाराज जी कहेंगे पैसा लाओ, आपको कहोगे है ही नहीं, सरकार ने ले लिया टैक्स, में कहां से दें आप, महाराज जी चाहते हैं जैन स्कूल बने, आप कहेंगे पैसे ही नहीं है, जैन स्कूल बनेंगे कैसे? तो इसलिए आपको इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आप ये मत सोचिए हमारे विरोध करने से क्या होगा। मैंने आपको एक छोटा उदाहरण दिया, 6 महीने पहले हमने उत्तर प्रदेश में छोटा सा शुरू किया था, आज उसका परिणाम है कि वैट नहीं, और उत्तर प्रदेश जैसे 8 राज्यों में नहीं, अगर सब लोग खड़े हो जाएं तो पूरे हिंदुस्तान से वैट चला जाए। और मेरा ये मान्यता है व्यापारी सरकार को टैक्स देने वाला क्लास है, माने ग्राहक से लेके सरकार को दे रहा है फोकट में, अगर ये व्यापारी खड़ा हो जाए कि हम कोई भी सर्विस अब आपको फोकट में नहीं देंगे, जब आपका टैक्स कलेक्टर फोकट में कुछ नहीं करता, हम कैसे आपको फोकट में टैक्स इकट्ठा करके देंगे, हमको इसका सर्विस चार्ज चाहिए, नहीं तो टैक्स हटाओ। और आप अगर एक ही बात कहना शुरू कर दो कि टैक्स नहीं भरेंगे, तुमको जो करना है करो, 1 साल के लिए जेल भेजोगे, चल कितनी जेल है तुम्हारे पास, हिंदुस्तान की सब जेल भरी पड़ी है, जगह नहीं है पांव रखने की, 4.5 करोड़ व्यापारी महाराज जी, रिटेलर 4.80 करोड़ है इस देश में, और रिटेल बिजनेस 9 लाख करोड़ का है इस देश में, 9 लाख करोड़ का रिटेल बिजनेस है, 4.5 करोड़ से ज्यादा रिटेल बिजनेसमैन है, और दूसरे बिजनेसमैन को जोड़ दो तो 5 करोड़ 5.5 करोड़, ये अगर खड़े हो जाए, कोई सरकार में दम नहीं है, किसी आर्मी में दम नहीं है कुछ कर सके, उसको विरोध करें, नहीं तो कल कुछ बचेगा नहीं। विरोध करने का मन में संकल्प रखें कि आप विरोध करेंगे तो परिणाम निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, हो सकता है 100% नहीं निकले, 50% निकले, क्या निकल सकता है, आप खड़े हो जाइए, विरोध करना शुरू करिए, हमको ये वैट मंजूर नहीं, सरकार कहेगी अच्छा बताओ क्या मंजूर है आपको, तो सबसे पहली शर्त सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करो, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी वैट पे लाओ, दो आप देखो फिर देखो कैसी मिर्ची खड़ी होगी, मिर्ची इतनी तेज लगेगी पूरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये जो इस्लामिक मूवमेंट वाले ना ये सब खड़े हो जाएंगे, आप तो एक सुलगा दो ना चिंगारी,
आप ये बोलो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बेड पे लाओ, अगर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेड पे है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बेड पे लाओ। हाँ, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, फ्रेंच एम्बेसी है, वो टैक्स फ्री करना है ठीक है, क्योंकि हमारी एम्बेसी उनके यहाँ टैक्स फ्री है तो ठीक है, इनको छोड़ो, ये तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी अदर देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं उनको बेड पे लाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म करो, टैक्स का रेट कम से कम करो, 4% 5% करो, सिंगल पॉइंट करो, सेंड बेट करो, अधिकारियों के अधिकार खत्म करो, ड्यूटी फिक्स करो, और भारत में अधिकारियों को तनख्वाह देना बंद करो, सरकारी खजाने से पैसे लुटाना बंद करो, कमीशन फिक्स करो उनका, ऐसी ऐसी आप डिमांड रखना शुरू करिए, या तो सरकार इसको माने नहीं तो हटाए, दोनों में से कुछ हो। देखिए दिल्ली के व्यापारियों ने लड़ाई शुरू किया, 7 दिन दिल्ली बंद कर दिया, भारत में पहली बार हुआ दिल्ली 7 दिन बंद था, इमीडिएट सरकार सरेंडर कर गई, 50% डिमांड मान लिया दिल्ली सरकार, दिल्ली के व्यापारी, और दिल्ली के व्यापारी कह रहे हैं थोड़े दिन में हम फिर करेंगे 25% और मनवा लेंगे अपने। तो अगर दिल्ली वाले करा रहे हैं, यूपी वाले करा रहे हैं, तो महाराष्ट्र वाले भी करा सकते हैं, गुजरात वाले भी करा सकते हैं, गुजरात में खैर है नहीं लेकिन महाराष्ट्र में अगर ये आया है, कर्नाटक में आया है, तो आप ये करें। तो इसके लिए दो उपाय हैं, पहला उपाय व्यक्तिगत है, दूसरा सामूहिक है। व्यक्तिगत क्या है, आप भारत के प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को ऑब्लिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और वित्त मंत्री को एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड तो लिखें कम से कम विरोध के स्वरूप में, हम वैट को मंजूर नहीं करते, कारण क्या है वो बता दें, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ये कारण से हम मंजूर नहीं करते, और अगर आप ये बदलोगे नहीं तो आपका वही हाल होगा जो ओम प्रकाश चौटाला का हुआ। सीधे लिखो पत्र, ओम प्रकाश चौटाला ने किसी की नहीं सुनी, परिणाम है कि आज वो सड़क पर है। एक जमाने में उसके पास 2/3 बहुमत होता था, आज 5-6 सीट भी नहीं आई है। जो हाल चंद्रबाबू नायडू का हुआ, जो SM कृष्णा का हुआ, वो आपका होगा, और हर मंत्री चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, कुर्सी हटे उसी से डरता। आप लिखो उनको सीधे कि या तो ये शर्त है, इस आधार पर बैठ करो, नहीं तो हम नहीं मानते, और हम सिविल नाफरमानी करेंगे जो गांधी जी हमको बता के गए। गांधी जी कहते थे कि गलत कानून को स्वीकार करना सबसे बड़ी हिंसा है, क्योंकि वो आपको ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को खत्म कर देता। और गांधी जी कहते थे कि गलत कानून के खिलाफ सिविल नाफरमानी करना सबसे बड़ी अहिंसा है। सिविल नाफरमानी, नहीं देंगे टैक्स, जेल में डालना है डालो। जिस दिन हिंदुस्तान में 10-20 लाख व्यापारियों में यह हिम्मत आई, जैसे यूपी में जेल भरो आंदोलन शुरू किया महाराज जी, 2 ही दिन चला, 3रे दिन सरकार ने सरेंडर कर दिया, बैठ नहीं लाई, 2 दिन में मुश्किल से 2500-3000 व्यापारी जेल गए थे, 3रे दिन सरकार ने कह दिया नहीं लाएंगे। तो आप भी अगर हिम्मत करके ये कहना शुरू करोगे तो यहां सरकार सरेंडर करेगी। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर आप पत्र लिखें, एक सामूहिक करें। सामूहिक क्या करें, मान लीजिए आपका कोई व्यापारिक संगठन है, औद्योगिक संगठन है, उसकी तरफ से मेमोरेंडम भेजें और उस मेमोरेंडम में 20-25 पॉइंट दें। उसकी एक कॉपी मैंने परेश भाई को भेजी कि भारत में जो वैट स्ट्रक्चर है और यूरोप में जो वैट स्ट्रक्चर है, दोनों में अंतर क्या, वो मेमोरेंडम में आप भेजें। हमको ऐसा चाहिए जैसा यूरोप में, हमको वो नहीं चाहिए जो तुमने लाए। तो इस तरह का मेमोरेंडम आप भेजना शुरू करें, बहुत असर होगा इससे। और तीसरा, जागरूकता पैदा करें लोगों में। आपने मुझे सुना, आप किसी को सुनाए, वो किसी को सुनाए, धीरे धीरे ये बात बढ़ती चली जाए। जितने ज्यादा लोगों को माहिती होगी वैट के बारे में, उतना ही विरोध होगा। और धार्मिक संगठनों को माहिती पहले दें। जितने भी साधु संत इस समय मुंबई में विराज रहे हैं या जिनका चौमासा यहाँ होने की शक्यता है, उन सबके पास तो ये माहिती पहुंचा है कि अभी धर्म पर सबसे बड़ा हमला ये होने जा रहा है, आप इसका विरोध करिए। और इस हमले का एक दूसरा हिस्सा है, जो हमारे देश में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना 1860 का, उसमें बहुत परिवर्तन किया सरकार, और परिवर्तन इतना खतरनाक कर दिया है कि आप कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर करिए, नॉन प्रॉफिटेबल हो किसी भी लेवल पे, अब सरकार कोई भी हस्तक्षेप कर सकती है उसमें, कभी भी कर सकती है।
और ये कानून के आधार पर कर्नाटक में तो महाराज जी मंदिर सरकार ने अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। कर्नाटक में बहुत बड़ा मंदिर है उडुपी का, वो सरकार के हाथ में चला गया। उसके लिए अभी बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हुई है कर्नाटक। तो धीरे धीरे सब मंदिरों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। आपको मालूम है हमारे देश का सबसे पहला मंदिर गया इसी कानून के आधार पर, वैष्णो देवी सरकार के हाथ में गया। दूसरा मंदिर इसी कानून के आधार पर गया ये जो आंध्र प्रदेश का है तिरुपति बालाजी, सब सरकार के हाथ में चला। और इतनी हरामखोर सरकार है महाराज जी, मंदिर के देवद्रव्य में आया हुआ पैसा सरकार खा रही है और उससे कर्मचारियों को पगार बांटी जा रही है। अभी आंध्र के लोग कहते हैं कि जिस चंद्रबाबू नायडू ने ये काम किया उसको शाप दिया तिरुपति बालाजी ने, इसलिए हार गए। लेकिन आगे की सरकार भी संभाल नहीं रही है, उस नई सरकार आई वो भी कह रही है यही चलाएगी। तो ये कानून सब बना के एक तरफ तो मंदिर मठों में घुसने का सरकार का इरादा, और वैट जैसे कानून लगा के टोटल इनकम को टैक्स करने का इरादा, इनकम को यहाँ आने से रोक दिया जाए और जो कुछ मठ मंदिरों में है उस पर सरकार कब्जा कर ले, यही कोशिश हो। और सरकार में कौन है कब्जा करने वाले, ये महा हरामखोर इस देश के पुढ़ारी लोग, वो मंदिरों के मठ के अध्यक्ष बन के बैठते हैं, दारू भी पीते हैं, रंडीबाजी भी करते हैं, वैश्यावृत्ति भी करते हैं और मंदिर के मठ के अध्यक्ष बन के बैठे। कई मंदिरों में ऐसा, उडुपी के मंदिर में जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है वो एक पुढ़ारी महाहराम और वो मंदिर का अध्यक्ष हो, तो मंदिर में लोगों ने जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे ये दुर्गति सभी मंदिरों की हो, इसलिए सभी साधु संतों को महंतों को ज्यादा से ज्यादा ये माहिती करने की बताने की जरूरत है, और वो अपने व्याख्यानों में लोगों को ये कहना शुरू करें, लोगों में जागृति पैदा हो, थोड़े दिन में एक बहुत बड़ा अभियान बने और वो अभियान पूरे देश में कामयाबी के साथ चले और सफलता मिले, ऐसी कोशिश आप करिए। आप पहले से हार के मत बैठ जाइए, कुछ होगा नहीं, हमारे अकेले से क्या होगा। मैं तो आपको एक ही छोटा उदाहरण बार बार दे रहा हूं, अगर यही हमने 2.5 महीने पहले सोचा होता, हम तो उत्तर प्रदेश में, हमारा संगठन सबसे कमजोर अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में आजादी बचाओ आंदोलन, और सबसे ताकतवर तरीके से हमने अभियान चलाया वैट का वहीं पे। संगठन कमजोर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी कम है ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात कितनी ताकतवर है, कितनी सत्य के नजदीक है और कितने निस्वार्थ भाव से आप कह रहे हैं उसका असर होता है। उत्तर प्रदेश के व्यापारी तो कहते हैं राजीव दीक्षित को क्या लेना देना, ना इसका कोई धंधा है, ना इसका कोई व्यापार है, ना इसकी कोई फैक्ट्री है, फिर भी ये चिंता कर रहा है बैठ की, तो ये हमारे लिए है, तुरंत खड़े हो गए। तो ये जो भावना होती है ये देश को इकट्ठा करती है, हम इस भावना का जितना ज्यादा प्रचार करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसमें मैं एक छोटी सी मदद कर सकता हूं, ये जो विषय मैंने आपको दिखाया इस विषय पर 3 CD बनाई हुई, दुर्भाग्य से मैं पिछली बार आया तो नहीं ला पाया था, अब की बार लाया, वो 3 CD बाहर है गेट पर, आप जाएं तो ले जाएं। 1 CD अलग से है और 2 CD एक साथ में है, ऐसे करके 3 CD। उसमें बहुत ज्यादा से ज्यादा जो माहिती मेरे पास है वो मैंने देने की उसमें कोशिश की है और उसमें कन्विंस करने की कोशिश की है कि इसका विरोध करें, वो आप ले जाइए, उस पर हमारा कोई कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि मैं कॉपी राइट के सख्त खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, मैंने कहीं से ज्ञान लिया आपको दिया, अब आपका कर्तव्य है आप किसी और को दें। और भारत में परंपरा यही है, जितने धर्मशास्त्र हैं जितने भी पुराने शास्त्र हैं किसी पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं, तो वो आप CD ले लीजिए, कॉपीराइट नहीं है, उसकी कॉपी करिए ज्यादा से ज्यादा 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 और जितना तेजी से डिस्ट्रीब्यूट करें, खाली मुंबई में ही करा दीजिए, मुंबई में इतनी ताकत है कि देश हिल जाएगा, 1,40,00,000 लोग रहते हैं और उसमें से व्यापारी वर्ग ही इकट्ठा हो जाए तो वो 35-40 लाख के आसपास है, ये 35-40 लाख व्यापारी वर्ग मुंबई का इकट्ठा हो गया तो ये पूरे देश को हिला देगा, क्योंकि मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, फाइनेंशियल कैपिटल है, और भारत को सबसे जास्ती टैक्स देने वाला शहर भी मुंबई है, तो सरकार को मुंबई के पास आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा मुंबई, एक बार यहां ये जन जागृति हो बहुत बड़ा काम हो सकता है।
और मुंबई के बाहर जो लोग रहते हैं गुजरात में, उनको कहिए तुम्हारे यहाँ नहीं है तो शांत मत बैठो। गुजरात वाले ये सोच के बैठे हमारे यहाँ तो है नहीं, कभी भी आ सकता है। राजस्थान वालों को कभी भी आ सकता है, तुम तैयारी रखो। ये नहीं आग लगने के बाद कुआं खोदो, पहले से पानी की तैयारी रखो। तो इस तरह का अगर प्रचार आप थोड़ा कर दें ये सीडी के माध्यम से, और इस विषय पर एक छोटी सी पुस्तक हमने बनाई है, करीब 60-70 पन्ने की है, हिंदी भाषा में है, WTO की जिन कंडीशंस के आधार पर ये आया है वेट, उसकी एक पुस्तक है छोटी सी 60-70 पन्ने की, वो आप ले जाइए, सीडी आप ले जाइए, पुस्तक का गुजराती कर लीजिए, मराठी कर लीजिए, लगे तो उसका कोई दूसरी भाषा में भी भाषांतर कर लीजिए, उसको बांटिए, सीडी सुनाइए, दूसरों को कहिए कि वो किसी को सुनाए। ऐसे कर करके थोड़ा प्रचार करेंगे, 15-20 दिन या महीने भर में एक माहौल बनेगा। वो माहौल के आधार पर सबको कहिए पोस्ट कार्ड लिखो, चिट्ठी लिखो, मेमोरेंडम भेजो, सरकार के पास डेलीगेशन लेके जाओ, सरकार से बात करो। बार 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 आप जाओगे तो सरकार के ऊपर इतना दबाव आएगा, वो दबाव मजबूर करेगा। और महाराष्ट्र की सरकार तो वैसे भी बैसाखी पे चल रही है, इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो वैसे ही कमजोर है। कमजोर सरकारों को सरेंडर कराना बहुत आसान होता है, बनिस्पत की एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट को सरेंडर कराने के। तो इस तरह की कोशिश और प्रयास आप करें, और महाराज जी का सबका हमें सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, तो ये लड़ाई में जरूर विजय मिल सकती है और इस देश के टैक्स स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। और अगर आप नहीं कुछ करें तो आने वाली पीढ़ी आपको सवाल पूछेगी कि ये सब बर्बादी जब हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे, तो आपके पास जवाब नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी तो पुरखे क्या कर रहे थे, सो रहे थे, इसलिए वो घुस गई। अगर जागरूक होते तो उसी समय मार के भगा देते अंग्रेजों को। तो एक गलती जो हो गई है वो बार बार न करें, यही हमारे जागरूक होने की पहचान है। इसी अपेक्षा के साथ मैं व्याख्यान समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी माहिती मैं आपको दिया हूं वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें, और जो सीडी है, किताब है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करें, भाषांतर करके उसके पत्रक छपा कर बांटने में मदद करें, और जो षड्यंत्र है उसको ध्यान में रखें। षड्यंत्र है हिंदुस्तान को ईसाई बनाना है, टारगेट वो है, उसके लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, उसके लिए बैठ आया है, उसके लिए ये सब हो रहा है, इसको न भूलें, क्योंकि इसी उद्देश्य से पूरे दुनिया में 500 साल चर्च ने काम किया है और अगले 500 साल उनके काम करने का इरादा है। जब पोप जॉन पॉल भारत आया था ना, तो उसने घोषणा की है कि पहली सहस्त्रावधि में हमने पूरे यूरोप को ईसाई बना दिया, दूसरी सहस्त्रावधि में अफ्रीका को बना दिया, अब तीसरी सहस्त्रावधि में एशिया को बनाना है, और एशिया में भारत आता है। तो टारगेट उनका ये है, और ये दुर्भाग्य है कि इस समय हमारी सरकार भी उनकी सरकार जैसी है इस देश में, जो पूरी तरह से क्रिश्चियन लॉबी से संचालित है। तो ऐसे समय में थोड़ा सावधान रहना है, विजिलेंट रहना है, सो नहीं जाना है, आराम से नहीं बैठ जाना है, थोड़ा 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 भी प्रयास करेंगे बहुत बड़ी ताकत है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक व्यक्ति एक को कहेगा, वो किसी एक को कहेगा, महीने भर में पूरी बंबई में आपकी तरह से ये बात फैल जाएगी, और मुंबई में फैली तो महाराष्ट्र में देर नहीं लगेगी, और मुंबई खड़ी हो गई तो महाराष्ट्र खड़ा होगा।